नमस्कार, NIOS के वागदा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थियों, आज हम एक नए कार्यक्रम के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि NIOS का यह एक शैक्षिक कार्यक्रम है और सजीव प्रसारण के माध्यम से हम देश भर के DLED के शिक्षार्थियों से जुड़ते हैं। हम परिचर्चा करते हैं और विशेषज्ञों के विचारों से आपको अवगत कराते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कल हमने पर्यावरण अध्ययन पर चर्चा शुरू की थी और उसी क्रम में यह स्पष्ट हुआ था कि पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप क्या है, उसका महत्व क्या है। आज भी उसी के क्रम में हम पर्यावरण अध्ययन को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। कल जिन दो विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था उन्हें आज भी हमने आमंत्रित किया है। मैं पुनः आपका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंपा पंत, आप रिटायर्ड सीनियर लेक्चरर रही हैं डायट में, और डॉक्टर रविंद्र पाल हैं हमारे साथ, सीनियर लेक्चरर रही हैं डायट में। आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। शिक्षार्थियों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह विषय है पर्यावरण अध्ययन में उद्देश्य क्या होते हैं और दूसरा उनमें मूल्य किस प्रकार से होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग EVS एंड वैल्यूज इंटीग्रेटेड इन EVS, इन दोनों विषय पर हम चर्चा आरंभ करेंगे। मैं यह बताना चाहूँगा कि आप सभी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए टोल फ्री नंबर है 1800-180-2543। ईमेल है vagda@nios.ac.in। तो हम ये चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और मैं यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि यह परिचर्चा जो होगी उससे आपकी परीक्षा की तैयारी में निश्चित रूप से बहुत ही लाभ मिलने वाला है और आपके शिक्षण में भी बढ़ोतरी, हम कहेंगे कि उसमें कुछ न कुछ विकास जरूर होगा। तो मैं रविंद्र मैडम से अनुरोध करूंगा सबसे पहले कि इस चर्चा को शुरू करें। प्रिय शिक्षकों, आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो रहेगा कि हम पर्यावरण शिक्षण स्कूलों में क्यों पढ़ाएं। सबसे पहले तो उसका जवाब हमें पता होना चाहिए। कोई भी काम हम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए वो काम हम क्यों कर रहे हैं, तभी वो काम बढ़िया कर सकते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे कि वो कैसे, उसमें क्या क्या पढ़ाएं, पर्यावरण शिक्षण में हमारा करिकुलम क्या हो, और तीसरी बात जो हम देखेंगे कि कैसे पर्यावरण शिक्षण क्लास में पढ़ाएं। तो सबसे पहली बात आती है कि वाई, क्यों पढ़ाएं। तो इसमें आज की डेट में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है पर्यावरण शिक्षण, क्योंकि जितनी जितनी जनसंख्या हमारी बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे पर्यावरण का बारे में जानना, उसका संरक्षण करना, बच्चों को उसके लिए तैयार करना, ये ज़रूरी है। तो उसकी हम बात करेंगे आज। हम सबसे पहले तो हम ये बताएंगे बच्चों को कि आसपास आपके है क्या। हमने कल भी चर्चा की थी, परिवार है, समुदाय है, सब कुछ बोला था, लेकिन अब बच्चे को समझना है। जब हम पर्यावरण शिक्षण का करिकुलम बनाएंगे तो उसमें बच्चे को समझना है कि आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, उनको समझें और फिर समझकर उनसे एक रिश्ता कायम होता है, एक हारमोनी बनाएं और उससे रिलेटेड वैल्यूज़ को सीखें, और कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं अगर आसपास तो उनका हल ढूंढें। तो बच्चों को इस सब के लिए हमने तैयार करना है, ये मेन जो है तैयारी का इसमें जो कारण है कि पर्यावरण शिक्षण हर स्कूल में हम हर क्लास में पढ़ाते हैं। बच्चे को पता है मुझे पानी चाहिए, बच्चे को पता है मुझे हवा चाहिए, बच्चे को पता है, पता शायद इतना नहीं है, इनफॉर्मली पता भी हो, लेकिन अच्छी तरह से बता कि देखो भाई ये हवा है, हवा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम श्वसन करते हैं, ये बच्चे को अपने फैमिली से नहीं पता चलता, ये स्कूल में हमारा करिकुलम ही उसको बताएगा। तो हम चाहते हैं कि बच्चे को अपने एनवायरनमेंट की पूरी समझ हो, आसपास जितना उसका भौतिक एनवायरनमेंट है, जितना प्राकृतिक एनवायरनमेंट उसके आसपास है,
जितना सोशल एनवायरनमेंट है, कल्चरल है, तो सारी बातें बच्चे को समझ में आनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना करिकुलम फ्रेम करेंगे। फिर बच्चे को ये भी समझ आनी चाहिए कि इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों मैं नल खुला नहीं छोड़ना, क्यों मुझे हवा को गंदा नहीं करना, क्यों मुझे जगह जगह गंदगी नहीं फैलानी। और बात सिर्फ घर की नहीं है, बात सिर्फ अपने है, बात लोकैलिटी की है, बात पूरी शहर की है, बात पूरे देश की है, और बात पूरी पृथ्वी की है, पूरे प्लैनेट की है। तो धीरे धीरे हम लोकल लेवल से मूव करेंगे और ग्लोबल लेवल तक बच्चे को अवेयर करेंगे। तो ये हमारे रीज़न है कि हम करिकुलम को, ये पर्यावरण अध्ययन जो है स्कूलों में पढ़ाएंगे। तो ये हमारे मुख्य रीज़न है। अब इस पर अभी आज से नहीं, 1986 में जब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बना था, तो उन्होंने भी कंसर्न शो किया था। उन्होंने भी कहा कि देयर इज अ पैरामाउंट नीड ऑफ द एनवायरनमेंट, के अंदर एनवायरनमेंटल कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं है। मस्ट ऑल एजेस एंड ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बिगनिंग विद द चाइल्ड, क्लास वन से शुरू करें और उसके बाद जैसे ग्रो करता है, ये हमेशा उसकी पढ़ाई का एक इंटीग्रल पार्ट रहना चाहिए। यानी शुरू से लेकर हम बच्चे को एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस दिलाते रहेंगे, और जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे ही इसकी नॉलेज का जो स्फेयर है, दायरा है, वो भी बड़ा होता जाएगा, ताकि हर बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करे। तो ये NP86 का कहना है, सुझाव है। तो ये पुरानी बात हो गई, लेकिन आज भी देखो हमें ये और ज़्यादा तर्कसंगत होता चला जा रहा है, जैसे जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता जा रहा है। इसमें मैडम ऐसा कुछ हुआ कि 1986 का जो उदाहरण दिया आपने, तो स्थितियों में निश्चित रूप से कुछ बदल आया, हाँ जी, हाँ और जी, ये लगा होगा कि उस समय जितना जोर दिया गया था हम्म। उससे ज़्यादा की आवश्यकता है शायद। उस टाइम क्या हुआ ना, उस टाइम उन्होंने ये शुरू कर दिया था क्लास वन और टू के लिए, तो उन्होंने बोला कि मौखिक रूप से आप पढ़ाओ, और 3 से 5 तक की क्लासेस में पढ़ाया, लेकिन उसको एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ाया। उसमें साइंस और सोशल स्टडीज करके इसको पढ़ाया, उसी में इसको इन्फ्यूज़ कर दिया था। तो वो चीज़ निकल के नहीं आई जो आज आ रही है। तो अभी क्या है, जो हम ये कहते हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है ये इम्पोर्टेंट है, तो उसी का एक कंपोनेंट है एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो कि हम प्राइमरी क्लासेस से पढ़ाते हैं। तो इसमें हम बच्चे का फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, ये सारा बच्चे को इसकी समझ देते हैं और बच्चे को तैयार करते हैं कि वो इसको प्रिजर्व करे और कंजर्व करने में मदद करे। ये NCF 2005 की रिकमेंडेशंस हैं। मतलब 90s में आके जो पर्यावरण था हमारा उसमें स्थितियां बदली हैं, बदली हैं। और मतलब ये महसूस किया गया कि हमें ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, बिल्कुल, ये कंसर्न्स धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चले जा जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो एक्शन है वो इतना बढ़िया हो नहीं रहा। देखो छोटी छोटी बातें हैं, कोई भी रिवर का अगर हम प्रोजेक्ट लेते हैं, यमुना रिवर प्रोजेक्ट लिया, गंगा रिवर प्रोजेक्ट लिया, सालों से वो प्रोजेक्ट्स चलते हैं लेकिन कुछ कंक्रीट सामने आता नहीं है। ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं कि प्लास्टिक्स को इस्तेमाल मत करो, लेकिन अभी भी क्योंकि ईजी है ना, कंफर्टेबल है, एक प्लास्टिक की पन्नी ली, उसमें चीज़ डाली, लिक्विड भी डाल के ले जा सकते हो। तो हम अपना आराम देखते हैं, अपना कंफर्ट देखते हैं, अभी तक हमारे अंदर तक ये बात नहीं पहुंची है कि मुझे ये इस्तेमाल नहीं करना, इससे पूरे एनवायरनमेंट का नुकसान है और मैं उसका एक कंपोनेंट हूँ, तो नुकसान तो अल्टीमेटली मुझ तक भी आना ही है। तो ये EVS में बच्चों को हम बताते हैं कि एक्चुअल वर्ल्ड जहाँ हम रह रहे हैं उसकी समझ भी आए और उसको समझें कि कैसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चीज़ें फंक्शन करती हैं और आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ताकि उनका हेल्दी डेवलपमेंट हो, एक हेल्दी एटीट्यूड डेवलपमेंट हो, जिसमें वो अपने आप समझें कि ये एनवायरनमेंट है, इसकी प्रोटेक्शन करनी, इसकी कंजर्वेशन करनी हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन वो तभी कर पाएंगे, पहले उसको समझेंगे, तभी तो समझने पर ही करेंगे ना।
अब प्राइमरी स्टेज पर जब ईवीएस हम पढ़ाते हैं तो उसमें तीन मूल हम सब्जेक्ट्स इंटीग्रेट कर देते हैं। एक तो साइंस आ गई, कोई हम पांचवी तक अलग से साइंस नहीं पढ़ाते ना, साइंस पर्यावरण अध्ययन का एक हिस्सा है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का एक हिस्सा है, उसमें फिजिकल साइंस भी है, बायोलॉजिकल भी है, केमिकल भी है, सारी बातें हैं उसमें। दूसरा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और जितना ये पॉलिटिकल साइंस की बातें हैं, सोशियोलॉजी की बातें, तो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंगली ये चीज़ें भी हम उसमें डालते हैं। और तीसरी बात एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसमें बच्चों को हम प्रोटेक्शन सिखाते हैं, कंजर्वेशन सिखाते हैं। तो बच्चों में एक ना ये तीनों को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव एनवायरनमेंट का हम देना चाहते हैं, जिसको हम होलिस्टिक भी कहते हैं कि होलिस्टिक है ये, तो वो उस तरह का पर्सपेक्टिव है। अब होलिस्टिक एजुकेशन से मतलब क्या हुआ, एक हम चाहते हैं कि बच्चा जो है एक होलसम इंडिविजुअल बने, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पर्सनालिटी की, जिसमें इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, इमोशनल है, सोशल है, फिजिकल है, आर्टिस्टिक है, क्रिएटिव है, स्पिरिचुअल है, ये सारे पोटेंशियल्स बच्चे में हैं। जैसे अरविंदो ने कहा ना कि बच्चा तो ऐसा है जिसके अंदर ढेरों पोटेंशियल्स हैं, और ज़रूरत है कि उन पोटेंशियल्स को हम ब्लॉसम करने दें, उनको निखरने दें। तो यहाँ पर जब हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं तो हम वही चाहते हैं कि बच्चे की पर्सनालिटी के अंदर जो ऑलरेडी है उसको बाहर लेके आना है, उसको निखारना है। तो ये होलिस्टिक एजुकेशन है। और जब हम एनवायरनमेंट स्टडीज़ की बात करते हैं तो उसमें होलिस्टिक एजुकेशन आता है। और एनवायरमेंटल एजुकेशन देने के लिए जो ईवीएस का जो ऑब्जेक्टिव्स एनसीएफ ने दिया है 2005 में, वो बहुत मायने रखता है। उन्होंने बहुत सोच समझ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने रखे हैं, जो एक तरह से हमारे लिए ग्रंथि कह लो, कि जो भी हम शिक्षक लोग हैं, हम जब एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाने जाते हैं, कक्षा में जाते हैं, तो इन ऑब्जेक्टिव्स को तो हमेशा अपने अंदर रखो, इनको दिमाग में रखकर ही पढ़ाओ। तो पहला इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा मैं पूछना चाहती हूँ कि शायद ये शिक्षार्थियों की भी ये प्रश्न हो कि जब ऑलरेडी NPE 86 में ये रिकमेंडेशन थी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए, तो फिर ये NCF की ज़रूरत क्यों हुई? नहीं, ऐसा था ना कि नेशनल पॉलिसी एजुकेशन जब 86 बना ना, उसमें इंटीग्रेशन की ज़्यादा फोकस नहीं था, ज़्यादा फोकस इंटीग्रेशन पर नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीखते गए, अब देखो पहली बार 2005 में एनसीएफ ने कहा कि भी अलग अलग हमको साइंसेज नहीं पढ़ानी, सोशल स्टडीज़ अलग अलग। इससे पहले तक तो क्या था, हमारे पास अलग किताबें थी, साइंस की अलग थी, सोशल स्टडीज़ की अलग किताब थी, तो वो हट गई सब, तो इंटीग्रेटेड पैकेज सामने आ गया। तो एनसीएफ 2005 ने कहा, पहला ऑब्जेक्टिव, टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रिहेंड रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। आप किताबें खोल के देखिए एनसीईआरटी की, उन सब में भी जहाँ जहाँ हमने कोई भी टॉपिक लिया है तो उसमें हमने तीनों बातें पकड़ी हैं, नेचुरल भी, सोशल भी और कल्चरल भी। अब जब हम वनों का कंजर्वेशन की बात करते हैं, जंगल काटने नहीं चाहिए उसकी बात करते हैं, तो हम चिपको आंदोलन की बात करते हैं, ठीक है, तो हम चले जाते हैं सीधा अमृता की कहानी पर, कि किस तरह से राजस्थान में उन्होंने जो वो वृक्ष थे, उनकी रक्षा विश्नोई, की। विश्नोई समुदाय विश्नोई समुदाय ने, तो कैसे उन्होंने खुद चिपक गए वृक्षों के साथ और उनकी रक्षा की। तो ये एक देखो सोशल भी इसमें एस्पेक्ट है, कल्चरल भी, क्योंकि विश्नोई को लगा कि हमारे लिए, वो समझते हैं इन चीज़ों को कि उस पर डिपेंड करते हैं इन वृक्षों पर। राजस्थान में वैसे भी आपको पता है कि गर्मी काफ़ी रहती है, तो हरियाली तो उनके लिए जीवन है ना, तो वो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट उनका ऐसा है कि वो इन चीज़ों को संरक्षित करना चाहते हैं। तो जब हम एम्फेसिस देना चाहते हैं कि जंगलों को कैसे बचा के रखना है, तो उसमें हम सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट भी पकड़ लेते हैं। जब हम पानी की बात करते हैं कि यहाँ पानी की कमी है, तो हम आ जाते हैं राजस्थान के इलाकों में या और इलाकों में जहाँ पर दूर दूर जाकर जो घर की औरतें हैं वो पानी भर के लाती हैं। हम ये बात भी करते हैं कि पानी औरतें क्यों भर के लाती हैं,
घर के सभी मेंबर्स उस पानी को इस्तेमाल करते हैं, तो हम जेंडर सेंसिटिविटी की बात भी करते हैं। तो यानी कि हम हर एस्पेक्ट को पकड़ते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चा जो है इन सारे एस्पेक्ट्स को समझे। एक कॉल ले लेते हैं मैडम। हाँ जी। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी, क्या सेवा? सर, होते जाते हैं, ऐसे में बालक केवल किताबों से कैसे वो पढ़ को समझ पाएंगे? जी जी हाँ सर, आपकी इसी बात का तो आज हम जवाब देने बैठे हैं, कैसे पढ़ाएं कि कक्षा में किताबों में उलझ के ना रह जाएं, बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में लेके कैसे पढ़ाएं, इसकी बात हम करेंगे। आज पक्की बात है आपके इस सवाल का उत्तर आपको मिलेगा, बशर्ते आप उसको फिर ध्यानपूर्वक प्रयोग भी करेंगे अपनी कक्षा में। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड इलस्ट्रेशन ड्रॉन फ्रॉम लिव्ड एक्सपीरियंसेस एंड फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ रादर देन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में बोलते हैं मान लो ऐसा हुआ, मान लो ऐसा है, या किताब में हमने पिक्चर दिखा दी, नहीं, उनको रिलेट करना है, वो बच्चों की ऑब्जर्वेशन का हिस्सा होना चाहिए। अगर हमारे आसपास पर्यावरण में जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित चीजें हैं तो उनका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। और अगर हम दूर दराज की बात करते हैं, हम घने जंगलों की बात करते हैं, तो बच्चे को घने जंगलों में नहीं लेके जा सकते। हम पहाड़ों की बात करते हैं, ग्लेशियर्स की बात करते हैं, वहाँ बच्चों को लेके नहीं जा सकते। तो हम इलस्ट्रेशंस का फायदा उठा सकते हैं, हम मूवीज का फायदा उठा सकते हैं, अगर हमारे पास उसके साधन उपलब्ध हैं तो। वैसे तो आजकल मोबाइल में वीडियो सबके पास होती है, तो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बच्चों को एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उनको इस तरह से लिविंग एक्सपीरियंसेस देने की हम कोशिश करें, वो चाहे फिजिकल एनवायरनमेंट के हों, चाहे बायोलॉजिकल के, चाहे सोशल के, चाहे कल्चरल के, जहाँ जहाँ पर भी हम उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। किताब तो लास्ट ऑप्शन है, जब हमारे पास कोई और साधन नहीं है तो हम किताब की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कोशिश करेंगे कि जो भी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो बच्चे के सामने प्रेजेंट किए जाएं, ऐसा एनसीएफ ने कहा है। इसमें ऐसे चर्चा से बात ये भी निकल के आती है कि मान लीजिए कि जैसे आजकल बागवानी वगैरह भी कराते हैं स्कूल के आसपास, बागवानी कराते हैं, और बिल्कुल बहुत सारे पेड़ पौधे लगवाते हैं लोग, सैकड़ों तरह के मैंने देखा कि पौधे, जिनकी जानकारी बच्चों को आसानी से हो सकती है। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर ये भी करें, अगर स्कूल वाले जैसे ये कह रहे थे अभी एक शिक्षक की किताबों से कैसे पढ़ेंगे पर्यावरण, तो अगर उस तरह का इन्वायरमेंट वो खुद क्रिएट करें, जैसे बिल्कुल गमले में बहुत सारे पौधे मैडम होते हैं आज कम से कम 50% तो गमले में हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। जब ऐसे ही एक बच्चे से पूछा गया कि चना का पौधा कितना बड़ा होता है, तो उसने बोला पीपल के बराबर। जब उसने देखा ही नहीं ना तो क्या बोलेगा वो, बताओ, जब देखा ही नहीं तो कैसे बताएगा वो। तो वही ना, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जब मैं बोलती हूँ तो इसका यही मतलब है कि रियलिटी में क्या है। एक बार किसी बच्चे से मैंने पूछा कि 1 मीटर कितना होता है, और वो बड़े आराम से बोलता है इतना होता है, क्योंकि उसने कभी भी लेट ही नहीं किया, जबकि कपड़ा खरीदने जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, तो मीटर स्केल कितना होता है वो बच्चे को मालूम नहीं, वो इतना बता रहा है। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ये नहीं दे पाए बच्चे को तो हमने क्या पढ़ाया, कोई फायदा नहीं उसका। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो एनसीएफ ने खास फोकस करा है, टू क्रिएट कॉग्निटिव कैपेसिटी एंड रिसोर्सफुलनेस टू मेक चाइल्ड क्यूरियस अबाउट सोशल फिनोमिना स्टार्टिंग विथ फैमिली एंड मूविंग ऑन टू वाइडर स्पेसेस। इसका भी हमने एनसीईआरटी बुक्स में बहुत ध्यान दिया है, घर में किसी की शादी हो रही है, शादी में क्या क्या कर रहे हैं, तो उसमें बच्चे की पूरी इन्वॉल्वमेंट है, वो पढ़ रहा है, उसको ऐसे ही असाइनमेंट्स मिलते हैं कि तुम्हारे घर में कौन सा फंक्शन हुआ उसके बारे में बताओ, कोई बच्चा पैदा हुआ है तो कैसे फैमिली बढ़ती है, कोई घर का मेंबर बाहर अब्रॉड चला गया है तो कैसे फैमिली छोटी होती है, या किसी की डेथ हो गई है तो कब कब ऐसे मौके होते हैं जब फैमिली मेंबर सारे इकट्ठा होते हैं, ये सारे हमारे ईवीएस की बुक्स में उसका एक हिस्सा बने हुए हैं, ताकि हम चाहते हैं कि बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा हो कि जितने आसपास के सोशल फिनोमिना हैं, जितने हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जितनी भी चीज़ें फैमिली में हो रही हैं, और फैमिली से वो मूव करेगा टू वाइडर स्पेसेस, बाहर कम्युनिटी में जाएगा,
और स्टेट की बात करेगा, नेशन की बात करेगा, ग्लोबल बात करेगा, तो ये इतनी समझ आए, जो कॉग्निटिव कैपेसिटी की हम बात करते हैं, इतनी समझ आए और इतनी रिसोर्सफुलनेस आए कि वो इसके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके ला सकता है, वो बड़ों से इंटरव्यू कर सकता है कि दादी आप बताओ जब आप छोटे होते थे तो तब कौन कौन से गेम खेलते थे, जब आप वहाँ कहीं जाते थे तो कैसे ट्रैवल करते थे। ये बच्चे के अंदर ये रिसोर्सफुलनेस हम पैदा करते हैं जब हम उनको ये सिखा देते हैं कि कैसे इंटरव्यू लेना है, कैसे सर्वे करना है, कैसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है। तो ये सारी बातें हमारा EVS पढ़ाने का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। इसमें मैडम ऐसे ध्यान आ रहा है कि हम कहते तो बच्चों से हैं कि सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लो और सब कुछ देखो ध्यान से, लेकिन शायद वो मोबाइल ज़्यादा प्रिय हो गया है, तो ये भी एक थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है शिक्षकों के लिए। जी 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 जी, कि ऐसा ना हो कि वो टेक्नो से भी ज़्यादा हो जाएं, बस स्क्रीन के सामने ही बैठे रहते हैं, या टीवी स्क्रीन हो या मोबाइल स्क्रीन हो, नहीं यहाँ से बचाना। देखो टाइम बहुत वेस्ट होता है बच्चों का, तो अगर दूसरी जगह हम उनको इंटरेस्ट उनका डेवलप करेंगे तो अपने आप वो ये टीवी और मोबाइल से थोड़ा दूर होएंगे। एक लतीफ़ा ऐसे ही आया था वीडियो, हाँ कि दादी के पास बच्चे गए छुट्टियों में, हाँ जी, तो दादी बैठी हुई हैं और सारे बच्चे वहाँ दादी के सामने मोबाइल में बैठे हुए, सारे अपना अपना मस्त बैठे हुए हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ दादी के पास जाने का। वो पुराने ज़माने से दादी कहानियाँ सुनाती थी, बच्चे कहानियाँ सुनते थे। तो खैर ये बातें हमें, हमारा ये कल्चर बहुत अच्छा है और इसको हमें बरकरार रखना है, इसको ज़िंदा रखना है, कहीं ऐसा ना हो मोबाइल से कल्चर हमारा ख़त्म हो जाए। तो एक ऑब्जेक्टिव ये है टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्ड, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग आर्टिफैक्ट्स एंड पीपल। अब देखो जब हम बात करते हैं कि कई बार बच्चा पूछता है, बच्चा बहुत क्यूरियस होता है, कई बार पूछता है कि हम इस पृथ्वी पर कैसे आए, सबसे पहला मनुष्य कैसा था, तो उसको ये जानने की इच्छा होती है कि किस तरह से मनुष्य ने इतनी चीज़ें बनाई, और ये हमें बताना हमारा फ़र्ज भी है कि जो आज एनवायरनमेंट देख रहे हो ऐसा हमेशा नहीं था। जहाँ आप बिल्डिंग्स दिखती हैं शहरों में, है ना, तो वो पहले नहीं थी। तो वो क्यूरियोसिटी बच्चे की बरकरार रखने के लिए म्यूजियम्स में ले जाओ, दिखाओ, देखो पुराने ज़माने के लोग क्या क्या बनाते थे, उनके आर्टिफैक्ट्स बने हुए, लोग कैसे रहते थे, आज कैसे रहते हैं, क्या बदलाव आया है। तो ये सारा हमें उनमें क्यूरियोसिटी जागृत करनी है और उनको क्रिएटिव बनाना है कि वो कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करें सबके सामने। तो ये हमने बच्चे को सिखाना है, ये NCF 2005 ने जो सुझाया हुआ एक ऑब्जेक्टिव ये भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं NCF का, तो नेक्स्ट स्लाइड करना जरा। टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, बड़े सारे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, चाहे वो पोल्यूशन है, हमने कल डिस्कस किए थे कि कितने पोल्यूशन से रिलेटेड हैं, डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड हैं, है ना, जो केमिकल हज़र्ड्स आते चले जा रहे हैं, इसके अलावा सॉयल इरोजन की हमने बात करी थी, और अभी जैसे बात हो रही है कि हमारे जो सोशल इश्यूज भी आ रहे हैं कि हम सब अकेले अकेले होते चले जा रहे हैं, मोबाइल्स लेके बैठ जाते हैं, तो कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। हम बच्चे को उसकी अवेयरनेस देना चाहते हैं, उसकी डेवलप करना चाहते हैं अवेयरनेस, ताकि बच्चे समझें कि हाँ ये इशू है, ये एक प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट है टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज टू एक्वायर बेसिक कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर स्किल्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, इन्फ्रेंस एक्सेट्रा। अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं कि पानी में कौन कौन से पदार्थ घुलनशील हैं और कौन कौन से घुलनशील नहीं हैं, सभी आप शिक्षकों को पता है कि हाँ भाई ये तो बड़ा आसान है, हम बता देंगे, हम ग्लास ले जाएंगे, कुछ चीज़ें ले जाएंगे क्लास में, घोल घोल के दिखा देंगे कि देखो ये तो घुल गया और ये नहीं घुल गया, भाई ये नहीं चलेगा। इसके लिए सामान हमें क्या चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, ग्लास कांच के चाहिए या प्लास्टिक के ग्लास भी चल जाते हैं, पानी की बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में पानी बचा ला सकता है, क्यों ना हर सीट एक लैब बन जाए, बच्चा हर सीट पर अपनी अपनी सीट पर वो खुद घोल घोल कर देखे। और खाली देखने से काम खत्म नहीं हो जाता, देखकर जो भी उसकी ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करना है,
उनकी कॉपी में बकायदा टेबल बना होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन टेबल, एक तालिका बनी हो कि ये पदार्थ डाला पानी में, घोल कर देखा तो घुला कि नहीं घुला, और लास्ट में कंक्लूजन बच्चे को निकालना आना चाहिए कि ये पांच चीज़ें मैंने घोल कर देखी, ये दो चीज़ें घुली, ये तीन चीज़ें नहीं घुली, तो पूरा कंक्लूजन लिखना, पूरा उसको साइंटिस्ट क्लास में बनाइए, उसकी सीट पर बनाइए। तो इससे कॉग्निटिव स्किल्स भी उसके एनहांस होंगे, हाथों से कर रहा है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस हैं, तो साइकोमोटर स्किल्स भी उसके एनहांस होंगे, ठीक है, तो वो इन्फ्रेंस निकालेगा, क्लासीफाई करेगा। ये सारी चीज़ें किताबों से खाली पढ़ाकर या ब्लैक बोर्ड पर समझाकर प्राइमरी क्लास का बच्चा नहीं सीखेगा, तो प्लीज़ उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवाइए। और मुश्किल नहीं है, चाहे आपकी 50 बच्चों की भी क्लास होगी ना तो भी मुश्किल नहीं है, एक बस हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ हमें कराना है, और बच्चों को एक बार करा के देखिए और फिर उनके चेहरों पर चमक देखिए कि आज मैंने करा, करके सीखा, कितना मज़ा आया। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस ऑब्जेक्टिव को, एनसीएफ के इस ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से समझिए और क्लास में बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस दीजिए। एक एक्टिविटी मैडम ध्यान में आ रहा है कि जैसे 50 बच्चे हैं, हाँ जी, तो 50 बच्चे एक एक पौधा लेकर आए, हाँ जी, है ना, हाँ। पूरी एक बागवानी बन जाएगी वहाँ स्कूल में, बिल्कुल बन जाएगी, और बच्चे तो उसमें बहुत कुछ नाम चिपका के ले आए उसमें छोटे से गमले में, तो एक उनका एसोसिएशन हमेशा के लिए हो जाएगा, हमेशा के लिए, कि ये पौधा लेकर आया था मैं, और 50 पौधों के नाम की जानकारी हो जाएगी, नाम भी लिख के ले आए उसमें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्रिएटिव कुछ करना करते रहना चाहिए टीचर को। अरे स्कूल में अगर बच्चे पौधे लगाते हैं तो उनके साथ एक उनका एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो जाती है। मैंने एक स्कूल में देखा कि बच्चे सुबह जो आ रहे हैं एक बोतल पानी की तो अपने पीने के लिए ला रहे हैं और एक बोतल पानी अपने पौधे के लिए ला रहे हैं, क्योंकि स्कूल में पानी की कमी है, और आते सबसे पहला काम वो क्या करते हैं कि पौधे में पानी डालते हैं। तो वो एक उनको लगता है कि ये पौधा मेरा पौधा है, मुझे इसका ध्यान रखना है। नहीं, इसके साथ साथ वो उसको बढ़ते हुए भी देखता है, जब बढ़ते हुए देखता है तो उसके बारे में उसे जानकारी भी होती है कितने टाइम में इसकी वृद्धि कैसे हो रही है, ग्रोथ कैसे हो रही है, या उसमें पत्तियाँ फल फूल कब आ रहे हैं, ये भी उसको साथ साथ में ज्ञान नॉलेज भी मिलती, नॉलेज मिलती है उसको, ठीक बात है। तो एक ऑब्जेक्टिव ये है टू एम्फेसाइज डिजाइन एंड फैब्रिकेशन एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट एज प्रिल्यूड टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव स्किल्स एट अ लेटर स्टेज। हम कहते हैं हमारे बच्चे इनोवेटिव बने, वो नए नए मशीनें नई नई चीज़ें इनोवेट करें, जैसे कि समाज को ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से कुछ नया सोचें और कुछ नया बनाएं। तो प्राइमरी में हम कैसे कर सकते हैं, प्राइमरी में भी छोटे छोटे मॉडल्स हम उनसे बनवा सकते हैं, सोलर कुकर बनवा लिया, विंड मिल बनवाओ और बच्चा वो चला के देखेगा तो कितना उनको मज़ा आएगा, वो चक्री से शुरू करेगा और वहाँ से वो विंड मिल का कंसेप्ट सीखेगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो बच्चों के लेवल की हैं, वो छोटी छोटी मॉडल्स उनको प्राइमरी स्टेज पर ही बनवाने शुरू कर दिए जाएँ तो अच्छा रहेगा, बच्चे को आदत सी पड़ जाएगी कुछ नया सोचने की। और फिर ये सब बनाने के लिए उसको बहुत कुछ करना पड़ता है, जोड़ना है ना, कुछ नाप तोल कर चीज़ लगानी है, तो मेजरमेंट सीखेगा, एस्टिमेशन सीखेगा, फैब्रिकेशन सीखेगा। तो ये सिखाना प्राइमरी से ही शुरू कर दिया जाए, ये भी हमारा एक मूल उद्देश्य है। इसके अलावा टू बी एबल टू क्रिटिकली एड्रेस जेंडर कंसर्न्स एंड इश्यूज ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड ऑप्रेशन विद वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स। ये बातें हमारे संविधान में बोली गई हैं, ये बातें कई जगह पर कई प्लेटफॉर्म्स पे बोली गई हैं, लेकिन अभी भी अफसोस इस बात का है कि हमारी सोसाइटी में ये अंदर में बातें आई नहीं है। इस पर आज भी एक ब्रेक के बाद विस्तार से बात करते हैं। हाँ, मैडम बिल्कुल। शिक्षार्थियों, अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि NCF 2005 में किन किन ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई EBS के बारे में। एक ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। शिक्षा
शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय, शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय। इस ध्येय में जन विकास हो, राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो, इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता DTH स्वयं प्रभा वाग्दा चैनल 32। शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल अब DD डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर 2032 पर। टीवी पर पढ़ो, ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का, कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे, आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है। भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है। मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए NIOS और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वाग्दा चैनल, भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम। DD के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स 32 लॉन्च किए गए हैं। 32वां चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है। इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है। शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24/7 प्रसारण, रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण, शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच। NIOS वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभा पोर्टल, स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता। शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा, सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा। तो शिक्षार्थियों, पुनः स्वागत है आपका। जैसा कि आपने देखा कि ब्रेक के पहले हम लोग NCF 2005 में जिस तरह से EVS के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया था उस पर चर्चा कर रहे थे। रविंद्र पाल मैडम विस्तार से उसके बारे में बता रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसमें हिस्सा लें और आपके मन में जो जिज्ञासाएं हैं उसको भी पूछें। आपके पास नंबर है, टोल फ्री नंबर है, कृपया उस पर कॉल करें। मैडम, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि उस चर्चा को जारी रखें। हाँ जी, हम जिक्र कर रहे थे कि जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दैट द चाइल्ड शुड बी एबल टू क्रिटिकली एड्रेस जेंडर कंसर्न्स, तो आज भी जेंडर इक्वालिटी पर क्वेश्चन मार्क है। आज भी हम देखते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा काम करेंगी, लेडीज ज़्यादा काम करेंगी। घरों में भी जो बच्चे देखते हैं वही वो सीखते हैं। कहते हैं ना, वैल्यूज़ आर नेवर टॉट, दे आर ऑलवेज कॉट। तो जो एनवायरनमेंट में दिख रहा है दे कैच दोज वैल्यूज़। तो हमारे पढ़ाने लिखाने का असर नहीं होता अगर उस चीज़ को आसपास होते हुए बच्चे देखते नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है जेंडर कंसर्न्स का। और जो गरीब है बच्चा, या फिर हम बोलते हैं कि ये छोटे काम करते हैं, एक्चुअली काम छोटा बड़ा ये सब की बराबरी ये होना चाहिए। NCERT बुक्स में भी एक जगह हमने दिया है कि अगर वो सीवर का मेन हॉल साफ कर रहा है बंदा, तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो वी शुड बी थैंकफुल कि कोई हमारे लिए गंदा काम भी करने को तैयार है, तो हम उसको क्यों ना वैल्यू करें, उसको क्यों ना रिस्पेक्ट करें। तो इस तरह से बच्चे को ये सिखाना है कि हर ह्यूमन बींग वैल्यूएबल है, हर ह्यूमन बींग रिस्पेक्टेबल है। ना तो कोई सेक्स का फ़र्क होना चाहिए, ना कोई उसकी इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं उसका फ़र्क होना चाहिए, ना कोई उसके जो काम करना है उसका कोई असर होना चाहिए। वी ऑल आर इक्वल। और मैं ये बात कह सकती हूँ बड़े अच्छी तरह से कि बाहर के देशों में ऐसा नहीं है ना। वहाँ चाहे ड्राइवर है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो टीचर है, सारे अपना अपना काम करके इकट्ठा बैठते, इकट्ठा हंसते खेलते, क्योंकि बराबर है, डिग्निटी ऑफ लेबर है। और सारे काम खुद ही करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कब होगा? तो ये प्रिय शिक्षकों,
बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव कर पाएँ, तो ये हमें सोचना है। जेंडर इशू पे मैडम तो काफ़ी काम हो रहा है कि किस तरह से मतलब इसको दूर किया जाए, जो भेदभाव जिस तरह समाज में है। सर आप बात हो रही है। काम जरूर हो रहे हैं लेकिन उसका इफेक्ट कहीं इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। आज भी अखबारें उठा के देख लो, फुल ऑफ क्राइम्स, बच्चियों को नहीं छोड़ते, किसी को नहीं, क्या हो रहा है ये समाज में? जितना काम हो रहा है उस हिसाब तो से नहीं, असर नहीं, नेगेटिव ज्यादा प्रभाव नहीं हो रहा। तो ये तो हमें मतलब आज का एक बर्निंग इशू है, हमें सब शिक्षकों को ये सोचना है। पहले तो अपने अंदर ये बदलाव ला, पहले तो ये सोचे ना कि हम तो नहीं ऐसा करते। अगर मैं ही ऐसा नहीं सोचती हूँ तो मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगी, मैं नहीं सिखा सकती हूँ। तो ये तो हमारे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ईवीएस एज गिवन बाय एनसीएफ 2005। और आपने देखा एक एक ऑब्जेक्टिव बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी हम ईवीएस पढ़ाने जाएं कक्षा में तो प्लीज़ इन ऑब्जेक्टिव्स को अपने सामने रखें और उनको अचीव करने का पूरा पूरा प्रयास करें। ऑब्जेक्टिव्स रटने के लिए, पेपर में लिखने के लिए नहीं है। जब तक ये क्लास में नहीं जाएंगे, जब तक इनको हम अचीव नहीं कर पाएंगे, तब तक ईवीएस को सही हम नहीं पढ़ा पाएंगे। अब हम आते हैं कि ईवीएस में क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। ईवीएस में हम तीन बातें देखते हैं, लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, प्राकृतिक एनवायरनमेंट क्या है, उसके घटक क्या क्या हैं, उनको समझना, ठीक है। हमारे आसपास जो ये सोशल एनवायरनमेंट है उसको समझना, कल्चरल एनवायरनमेंट को समझना, है ना, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हमारा कैसा है, क्यों है, उसके फ़ायदे क्या हुए और नुकसान क्या हुए, उसको समझना। तो लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बारे में समझना। और खैर इसको तो हम बखूबी पढ़ाते हैं, इसको हम पढ़ाते आए हैं, इसको हम पढ़ाते रहेंगे। अबाउट द एनवायरनमेंट तो हम खूब पढ़ाते हैं, लेकिन अगली दो बातें, लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से पढ़ना, पर्यावरण से पढ़ना, यानी अगर मैं पेड़ पौधों की बात कर रही हूँ तो अगर स्कूल में ही कोई छोटा सा गार्डन है तो वहाँ बच्चों को ले जाया जाए, वहाँ विभिन्न प्रकार की पत्तियों को दिखाया जाए, कागज़ ले जाएँ बच्चे, क्रियॉन्स ले जाएँ, पेड़ों के तने पर वो कागज़ रख के उसका टेक्स्चर बनाएँ और देखें कि एक पेड़ का टेक्स्चर दूसरे पेड़ के जो टेक्स्चर से फ़र्क है। पत्तियों को देखें कि इनकी शेप्स अलग अलग हैं, हम पत्तियाँ देखकर भी पेड़ पहचान सकते हैं, हम फूल देखकर पेड़ पहचान सकते हैं। तो पेड़ों की पहचान करना, कौन कौन सी बर्ड्स वहाँ दिखती हैं, कौन कौन से कीट आसपास हैं। तो लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट में जाकर ऑब्जर्व करके सीखना। तो ये बात है, हम प्रदूषण की बात करते हैं तो हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, हम एक्टिविटी कर सकते हैं, वो पेट्रोडिशा कागज़ के ऊपर वो कुछ चिकना सा रख के, ग्लिसरीन लगा के या कुछ चिकना ही लगा के, तो हम रोड पर उसको घुमाएंगे तो पता चल जाएगा कहाँ पर ज़्यादा धुआं है जो चिपकेगा उसके साथ। हम ऐसी स्टडी कर सकते हैं, तो कहने की ज़रूरत नहीं है, करके बच्चा सीखेगा। तो लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट है, ठीक है। कंपोस्ट कैसे बनाना है स्कूल में हम बना के दिखाएं, तो लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो ये बात हमें अब ज़्यादा अच्छी तरह से समझनी है। और जहाँ तक पॉसिबल हो, अभी जैसे क्वेश्चन भी आया था कि पर्यावरण किताबों से नहीं पढ़ाना, मेरे भाई पर्यावरण शिक्षण को पर्यावरण से ही पढ़ाना है, जहाँ तक संभव हो पर्यावरण से ही पढ़ाना है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट इशू है लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए पढ़ना है, इस एनवायरनमेंट को बचाएं कैसे, इसको हेल्दी कैसे रखें, इसको कंजर्व्ड कैसे रखें, सस्टेनेबल यूज़ कैसे करें रिसोर्सेज का, ये लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट है, जिसमें बच्चे अपनी समझ से अपने सुझाव दें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचाने के लिए। तो वो हो जाएगा लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट। प्राइमरी से शुरू करेंगे तो बड़ा होकर वो एक समझदार नागरिक बनेगा जो अपने देश के एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट करेगा।
तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट, लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट और लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट। तो ये तीनों चीजें हमारे उसमें आना चाहिए, EVS के करिकुलम में आना चाहिए। यानी कि फिर घूम फिर के हम आगे होलिस्टिक एजुकेशन कि ऑलराउंड होलिस्टिक, एक एक चीज को हर एंगल से हम बच्चे को पढ़ाएं, बच्चा एक्सप्लोर करे, अंडरस्टैंड करे, अप्रिसिएट करे और अपने एनवायरनमेंट को वैल्यू करे, उसकी उसके मूल्य को समझे। ये नहीं कि तो मुझे मिल रहा है तो मिल रहा है, मेरा राइट है, नहीं, जो तुम्हें मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, ये प्रकृति की देन है, उसके लिए शुक्र करो, थैंक्स करो प्रकृति को कि तुम्हें चीज़ें मिली हैं। सोचो उनको जिनको नहीं मिलती हैं उनके बारे में सोचो, और ये कब तक चलेंगी इसके बारे में सोचो, और इसे ये समझो कि जो जॉय ऑफ लर्निंग है अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट को अपने कम्युनिटी के साथ जोड़कर, वो जो आप लर्न करते हो चीज़ें एनवायरनमेंट से सीखते हो, उसमें कितना मज़ा आता है, तो ये आपको बच्चों को सिखाना है। अगर हम इस तरह से टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चे को देंगे तो एक लार्जर कंटेक्स्ट में अपने जगह क्या है उसको समझ पाएगा कि इस कम्युनिटी में मेरा क्या स्थान है और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो समझेगा कि ये म्यूचुअल डिपेंडेंस है, सेल्फ विद अदर्स, मैं दूसरों के लिए काम करूँगा, दूसरे मेरे लिए काम करेंगे, ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, मेरे सिर्फ हक ही हक नहीं है, मेरे फर्ज भी हैं। तो देना और लेना दोनों आना चाहिए, हमें लेना लेना तो आता है, बच्चों को मैंने लेना तो सिखा दिया, लेकिन देना भी तो सिखाओ कि तुम्हें कुछ देना भी है, जो तुम दे सकते हो वो दो, तुम रिस्पेक्ट दो, तुम छोटे मोटे काम कर सकते हो करके सोसाइटी को दो, फैमिली को दो। तो दोनों बातें सिखानी है, लेना भी और देना भी, ये म्यूचुअल डिपेंडेंस जो है हम EVS के थ्रू बच्चे में लाएंगे, उनको सिखाएंगे। तो ये होलिस्टिक एजुकेशन जो है, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है एनवायरनमेंट का, ये पूरे प्लैनेट अर्थ के लिए, चाहे वो किसी भी देश का बच्चा है, किसी भी शहर का बच्चा है, किसी भी लोकेलिटी का बच्चा है, सबके अंदर ये चीज़ें हमको लेके आना चाहिए, अप्रिसिएट करना चाहिए कि सब लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। और ये तब बना है लाइफ सपोर्ट सिस्टम, फूड चेन्स को समझे बच्चा, उसकी ज़रूरत समझे और उसको टूटने पर क्या क्या नुकसान हो सकता है इसको बच्चा समझे। तो ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है, समझाना है। ऐसी जब बच्चे में अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो बच्चा एनवायरनमेंट से अपनी जो रिलेशनशिप है, एक क्लोज रिलेशनशिप है, इंटीग्रेट रिलेशनशिप है, उसको अप्रिसिएट कर पाएगा, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स को समझ पाएगा और फिर वो एटीट्यूड्स बिल्ड कर पाएगा कि अपने आप उसके हाथ जो है कूड़ा बाहर फेंकने से पहले रुकेंगे कि नहीं मुझे इसको डस्टबिन में डालना है। वो खुद ही देखेगा ये नल बहरा तो अपने आप ही बंद करेगा, जैसे हम बोलते ना आदत पड़ जाती है, तो आदत पड़ जाएगी और वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके और भी जो आसपास एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने में मदद करेगा, नए नए सुझाव देगा। नेक्स्ट, ये सब बातें सोचकर जब करिकुलम बना EVS का, उसको हमने टॉपिक वाइज नहीं बनाया, उसको थीम वाइज बनाया, तभी तो होलिस्टिक लर्निंग होगी। और 6 थीम्स में पूरे सिलेबस को बांट दिया गया है। पहला थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये बड़ा थीम है, इसमें हमने रिलेशनशिप्स ले लिए हैं, हर तरह के रिलेशनशिप्स, फैमिली के, समुदाय के, मित्रों के, वर्क एंड प्ले भी इसमें आ गया, एनिमल्स और प्लांट्स भी इसी थीम का हिस्सा हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स भी हमारे फ्रेंड्स हैं। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में आता है रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। दूसरा इम्पॉर्टेंट थीम है फूड, फूड कहाँ से मिलता है, कौन कैसा कैसा फूड खाता है, डिफरेंट लोग अलग अलग जगह पर रहने वालों के फूड अलग क्यों होते हैं उसको बच्चा समझे, फूड शेयरिंग कैसी, फूड की ज़रूरत क्या है, है ना, फूड के मेन न्यूट्रिएंट्स क्या हैं जो हेल्दी बॉडी के लिए हमें ज़रूरत है, हमें वो खाना है, सब्जियां खानी है, फल खाने हैं, है ना, जंक फूड नहीं खाना है। तो ये सारी बातें फूड में है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, किसको फूड नहीं मिलता, हम फूड वेस्ट करते हैं और कई लोगों को फूड मिलता नहीं, फूड की वेस्टेज की भी बात हम यहाँ पर करेंगे,
फूड उगाता कौन है, किसान उगाता है, कितनी मेहनत से उगाता है, हमें भी कुछ उगाना चाहिए, फूड उगाना चाहिए, है ना। तो घर में भी हम कौन कौन से गमलों में ऐसे पौधे उगा सकते हैं जिनमें सब्जियां, जैसे फलियां हम उगा सकते हैं, टमाटर उगा सकते हैं, है ना। तो कौन कौन से पौधे हमारे घर में लग सकते हैं कि जगह ना होते हुए भी हम गमलों में उगा सकते हैं। तो फूड के अंदर सब कुछ यही होलिस्टिक एजुकेशन है। शेल्टर की बात करते हैं, कैसे कैसे तरह के घर हैं हमारे आसपास, कौन कौन किस तरह के घर में रहता है, है ना। तो ये सारे तरह के शेल्टर और अलग अलग स्थानों पर शेल्टर्स अलग अलग क्यों हैं, वहाँ की जो मकान बनाने के लिए ज़रूरी सामान है वो भी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है जो अवेलेबल होता है। पहाड़ों पे लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, तो जहाँ पर पथरीली जगह है तो वहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल होता है। भूकंप आते हैं जैसे जापान में, वहाँ सारे लकड़ी के ही लकड़ी के, क्योंकि उनको ज़रूरत वैसी है। तो शेल्टर कैसा हो, है ना, तो वो ज़रूरत के हिसाब से और अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से बनता है। तो किसी के बड़ा, किसी के पास मकान है, किसी के पास छोटा है, ठीक है। तो जितना जितना हर तरह के शेल्टर्स की हम बात करते हैं, शेल्टर ज़रूरी क्यों है और कैसे सफाई करनी है हमको आसपास की, कैसे कूड़े का निपटान करना है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पर कम है, जैसे भी है, कूड़ा बहुत जनरेट होता है तो उसको कैसे निपटान करें ताकि गंदगी ना फैले, जगह जगह गंदगी के ढेर हमको नज़र ना आए। पानी है, वाटर एक थीम है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, वाटर की ज़रूरत क्या है, वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एनिमल्स को और प्लांट्स को वाटर की कितनी ज़रूरत है, कैसे अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, पानी में कौन से एनिमल्स और प्लांट्स हैं, लैंड में कौन कौन से हैं, तो पानी के प्रदूषण कैसे हो जाता है, कैसे हम क्या करें कि प्रदूषण ना हो, ये सारी बातें इस थीम में आती हैं। ऐसे ही ट्रैवल एक थीम हो गया कि हम ट्रैवल करते हैं, क्यों ट्रैवल करते हैं, कैसे कैसे ट्रैवल करते हैं, किस तरह से ट्रैवल की जो विभिन्न हमारे पास साधन है वो कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या हो सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें, पेट्रोल उसमें चलता है, डीजल है, कहाँ से आते हैं, कितने महंगे हैं, माइलेज क्या होती है, ये सारी बातें हम ट्रैवल में करते हैं। इसको कैसे जोड़ा गया मैडम, ट्रैवल को पर्यावरण से कैसे जोड़ा गया? पर्यावरण से जोड़ा गया ना कि कहाँ कहाँ पर, जैसे जंगल है तो वहाँ पर ट्रैवल करना है तो किस तरह से, और हमने जो बीच बीच में रोड्स बना दी हैं या रेलवे लाइंस बिछा दी हैं तो उससे कितने हमने, ये भी है क्या कि जैसे हम ट्रेवल करते हैं तो हमें अनुभव होता है, जीवन का तरह तरह का अनुभव होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक जगह हम सीमित हैं तो उतनी दूर का ही पर्यावरण हम जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर पूरे देश का भ्रमण करें तो मतलब हमारा ज्ञान भी विस्तार होगा। बिल्कुल, फिर ट्रैवल में देखो ना, हम जब ईंधन की बात करते हैं, हम एक तरफ से एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो काफ़ी पोल्यूशन तो हमारे व्हीकल्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो फ्यूल जो उसमें इस्तेमाल करते हैं, हम बिना फ्यूल वाले कौन से व्हीकल इस्तेमाल कर सकते, क्यों नहीं हम साइकिल चलाते, है ना। अब कई ऐसे देश हैं जहाँ पर साइकिल उनका सब कुछ होते हुए भी, उनको ये नहीं कि कारें नहीं उनके पास, सब कुछ है लेकिन फिर भी साइकिल उनका मेन है। नीदरलैंड चले जाओ आप, साइकिल की जैसे हमारे मल्टी लेवल पार्किंग कारों की बनी है ना, उनकी मल्टी लेवल पार्किंग जो है साइकिलों की बनी हुई है। कि वहाँ के लोग अपनी शान नहीं समझते कि हमको कार में जाना है, नहीं, उनके लिए साइकिल इम्पोर्टेंट एक व्हीकल है, साइकिल लेके चलते हैं। तो वो सब चीज़ें हम ट्रैवल में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि रोजी रोटी से चलती है, टोंगा चलाने वाला हो गया, रिक्शा चलाने वाला हो गया, है ना। तो ये ट्रैवल में मतलब जो आप सोच सकते हो उससे जुड़ता है वो हम लेते हैं इस थीम में, इसको होलिस्टिक फॉर्म में लेते हैं और वो पूरे जीवन को प्रभावित कर रहा है। प्रभाव, हम चाहते ही हैं कि बच्चा उसकी पूरी समझ जो है उसको एक्वायर करे, अर्जित करे। एक कॉल ले लेते हैं। हाँ, ले लो। हेलो हेलो, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ सवाल पूछिए। नमस्ते सर जी। हेलो, नमस्कार। मैं नमस्कार, हेलो, मैं लखविंदर सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बताइए, क्या पूछना? हम इन चीजों को कैसे बढ़ावा दें? किन चीजों को, किन चीजों? हाँ पूछिए। हाँ जी, इन चीजों को कैसे बढ़ावा दें? कौन सी चीजें? वातावरण संबंधी बच्चों को। पहले तो बेटा आप खुद समझो ना कि वातावरण में आप पढ़ाने क्या चले हो।
ठीक है, उसको जैसे बच्चों को आसपास सफाई करने के शौक ही होना चाहिए, आदत नहीं डालनी चाहिए। बेटा शौक नहीं होते हैं, ये आदतें हमें बनानी पड़ेंगी। बच्चों को हमें खुद उनके साथ मिलकर स्कूल की सफाई करें, चलो बच्चों आज हम ना स्कूल में सफाई अभियान करते हैं, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो बच्चों को लगेगा अगर टीचर हमारा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे उनको आदत पड़ जानी चाहिए, एक वातावरण बनाना चाहिए, एक वातावरण बनाना चाहिए। अब क्लास में पेंसिल शार्प करी तो शार्प करे और वहीं पर वो गिरा के ये नीचे गिरा दिया, तो नहीं। उनको बोलो कि अगर आपको पेंसिल शार्प करनी है तो नीचे कुछ रख कर उसके ऊपर पेंसिल शार्प करें, और फिर जो छिलके उठा के डस्टबिन में फेंक के आए, हर कक्षा में एक डस्टबिन रखवाइए उनको। ये जो अगला मैं थीम बता रही थी थिंग्स वी मेक एंड डू, आप डस्टबिन बनवाइए ना क्लास में, कुछ बनाना। वैसे तो इसमें बहुत कुछ आता है कि हमारे आसपास लोग क्या क्या बनाते हैं, कोई बास्केट्स बनाते हैं, कोई पॉट्स बनाते हैं, कोई कपड़ा वीव करते हैं, कोई जूते बनाते हैं, तो इन्हीं से हम लेकर बच्चों को भी बोलते हैं कि तुम भी कुछ बनाओ। तो जब बनाने की बात आती है तो आप कक्षा में बनवाओ ना, हर कक्षा में एक डस्टबिन हो, और कक्षा में डिबेट होना चाहिए, कक्षा में चर्चा होनी चाहिए कि सफाई रखना क्यों ज़रूरी है। बच्चे बोलें कि क्यों ज़रूरी है, वो अपने सुझाव दें कि सफाई कैसे रख सकते हो। इसकी बातें करनी होंगी, रोज़ सफाई करवानी होगी, ये नहीं कि मैं तो नवाब हूँ, अभी कोई आएगा स्वीपर और सफाई करके जाएगा। नहीं भाई, मैंने बैठना है, मेरा एरिया है, मेरी क्लास है, इसमें सफाई करने की ड्यूटी मेरी भी हो सकती है, तो मुझे सफाई करनी, मुझे गंदगी नहीं मचानी। तो ये बेटा ये एटीट्यूड्स हैं जो हमें बच्चों में डेवलप करने, ये वही तो मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि जहाँ हम बात करते हैं एटीट्यूड्स की, वो थोड़ा सा इनकलकेट मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने कहा कि वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स आर नेवर टॉट, दे आर ऑलवेज कॉट। तो वो करते हुए जब देखेंगे सबको कि हाँ ऐसा कर रहे हैं लोग, तो वो भी ऐसा करेंगे। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कहते ना इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस हमारे अंदर पहले तो एक टीचर के अंदर ही आए इच्छा, तीन बातें मैं हमेशा हर टीचर को बोलती हूँ कि तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। नंबर वन विल, पढ़ाने की इच्छा। नंबर टू स्किल, पढ़ाना आना चाहिए। और नंबर थ्री उसको नॉलेज होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है मुझे। तो बेटा तीन बातें तो पहले तुम्हारे अंदर ये अच्छी तरह से आ जाएं, विल स्किल और नॉलेज। एक बार आप विलिंग हो कि हाँ मैंने ये सिखाना है बच्चे को, आप सिखाओगे और बच्चे सीखेंगे, और जो आपसे सीखेंगे वो आपकी इज्जत करेंगे। बच्चा बहुत समझदार होता है, जिस टीचर से उसको ज़्यादा मिलता है वो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता है। तो बेटा ये टीचिंग प्रोफेशन एक बड़ी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, बशर्ते हम एक अच्छे टीचर की फॉर्म में उभरें। तो आपको बच्चों को ये आदत डलवानी है, रोज़ कुछ करवाना है, रोज़ कुछ बोलना है, रोज़ बच्चों को बुलवाना है, बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स रखनी है, बच्चों को बोलना है कि तुम सुझाव दो, तो तभी ये चेंज आएगा। तो ये हमने छह थीम्स पढ़े जो कि EVS के करिकुलम का हिस्सा है, करिकुलम इसी के आसपास रोपा गया है, और बच्चों को हम चाहते हैं कि वो इमीडिएट एनवायरनमेंट से ये सारे थीम्स जो हैं, जो टॉपिक्स हैं, ये पढ़ें और समझें, और उनको अपने रियल एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ें। वो एक्सपीरियंसेस घर में भी हो सकते हैं, वो नेबरहुड में भी हो सकते हैं, वो कम्युनिटी में भी हो सकते हैं। स्कूल में कुछ सीख के गया बच्चा और घर में उसने वही करके देखा, वही कर रहा है वो, तो वो हंसता है कि अरे ये तो मैंने स्कूल में सीखा। जैसे एक क्लास में भोजन का पढ़ा रहे थे, भोजन के तत्व, तो उन्होंने तत्व पढ़ाए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, खनिज, ये सब पढ़ाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रिसेस हो गई। मैंने बोला, एक बच्चे से लंच बॉक्स खोल रहा था, मैंने कहा दिखाओ तुम्हारे लंच बॉक्स में क्या पड़ा हुआ है, और क्या था उसके अंदर, एक रोटी थी। तो मैंने कहा बच्चों बताओ इसमें क्या है, बोले कि रोटी है। मैंने कहा रोटी में कौन सा तत्व होगा, सारे बच्चे इकट्ठे बोले कार्बोहाइड्रेट। मैंने कहा रोटी के ऊपर घी लगा हुआ है, सारे एकदम बोले वसा। मैंने कहा अच्छा तो सब्जी है आलू गाजर और मटर की, तो सारे सब्जी का नाम सुनते ही बोलते विटामिन खनिज। मैंने कहा वो तो है। तो एक बच्चा बोला प्रोटीन तो नहीं है।
मैंने कहा जो मटर होते हैं वो दाल परिवार के होते हैं। तो बोले फिर सारी क्लास इकट्ठी बोले तो प्रोटीन भी है। तो मैंने कहा फिर ये कैसा फूड है? सारे बच्चे बोले कि तो संतुलित है, बैलेंस्ड फूड है। तो अब जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था वो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी उस बच्चे के लंच बॉक्स में आ गई। तो हमें रिलेट करना है, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं उसको हमारे बच्चों के जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ हमने जोड़ना है। तो इस तभी कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक बात करनी है। ज़्यादातर हाँ टीचर्स ये कहते हैं कि चाहे हम इस तरह से कितना ही भी पढ़ा लें लेकिन अगर हम किताब नहीं पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते हैं किताब नहीं पढ़ी, पेरेंट्स भी कहते हैं कि किताब तो पढ़ाई नहीं, तो इसमें क्या करना चाहिए? नहीं ऐसा तो फिर टीच इतना ज़्यादा आपने, अब देखो जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया तो मैंने बच्चे को बोला घर जाके अपनी मम्मी को थैंक्स बोलना कि तुमने मुझे संतुलित भोजन दिया है, तो जरूर बच्चे ने बोला होगा। तो टीच माँ को भी पता लगा संतुलित भोजन क्या है, तो उसको समझ आ रही है कि स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है मेरा, किताब की जरूरत नहीं वो है। वो तो सब ठीक है लेकिन उनकी जो ये भावना है कि किताब तो पढ़ने के लिए वो नहीं पढ़ाई जा रही है, तो उसमें क्या करें? नहीं उसमें बच्चों को बोलो किताब घर में खुद पढ़ो, खुद पढ़ो, या अगर समय हो तो मैं तो ज़्यादातर टीचर से यही कहती हूँ कि आप पहले उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ करके उनको एक्टिविटी करा के पढ़ाएं, उसके बाद थोड़ा सा समय बचे तो आप किताब की भी रीडिंग करा लो, तो वो उसमें प्लस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा उससे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये वाली गलतफहमी जो है कि किताब नहीं पढ़ाई वो भी दूर हो जाएगी। हाँ जी ये बात तो है। खैर चलिए, तो मतलब EVS में जब बात करते हैं तो EVS के माध्यम से हम लाइफ स्किल्स और वैल्यूज़ भी पढ़ा पाएंगे, ये हम अगले सेशन में आज ही डिस्कस करेंगे। लेकिन EVS का एक बात समझिए कि ये सिंगल सब्जेक्ट अप्रोच नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेटेड अप्रोच है। सभी सब्जेक्ट्स को जितने उसके साथ जोड़ते हैं जोड़ते चले जाइए। और EVS पढ़ाने के लिए जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है कि रियल एक्सपीरियंस के साथ जोड़ दिया हमने उसको, तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़ाना। हाँ ज़रूरत पड़े तो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करो, मैं ये नहीं कहती कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करो, लेकिन कोशिश करो कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस दो, लर्निंग पर जोर हो, टीचिंग पर नहीं कि मैंने सिलेबस ख़त्म करा दिया। अरे टीचर ने सिलेबस ख़त्म कराया दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बच्चे ने क्या सीखा। तो ऐसे एनवायरमेंट को जनरेट करो जिसको हमने कल इनेबलिंग एनवायरमेंट कहा था, कि बच्चा खुद ब खुद लर्न करे, अपने हाथ पैर मारे और लर्न करे। इसी को हमने कंस्ट्रक्टिविज्म का नाम दिया था कि अपने आप वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, उसका मीनिंग निकाल रहा है, उसे समझ रहा है, और टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। और हमें बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग को और ज़्यादा एनहांस करना है, प्रॉब्लम्स उनके सामने प्रेजेंट करनी है और उनको मोटिवेट करना है कि वो सॉल्यूशंस लेकर आए। तो ट्रांजेक्शन इस तरह से हो EVS करिकुलम का। तो ये तो हो रहा कि हाउ टू ट्रांजेक्ट, तो अभी क्या है कि EVS को लर्निंग बाय डूइंग से हमने ट्रांजेक्ट तो कर दिया, लेकिन ये समझ लो कि ये एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट है। अगर EVS अच्छा पढ़ा दिया ना तो सोचो कि आपने सस्टेनेबल सोसाइटी को बना दिया, आपकी सोसाइटी सस्टेनेबल बन जाएगी। अब EVS का स्कोप क्या है? एक मीडियम ऑफ लर्निंग है, ठीक है, इसके थ्रू आप एनवायरनमेंट में बहुत कुछ सिखा सकते हो, बच्चे के इमीडिएट एक्सपीरियंसेस को उसके आसपास के वर्ड के साथ जोड़ सकते हो, और बहुत कुछ आगे इसमें रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चा पढ़ सकता है और नेशनल और ग्लोबल लेवल पर अपना योगदान दे सकता है। तो शिक्षार्थियों अभी आपने देखा कि मैडम ने कितने विस्तार से कैरिकुलम के बारे में बताया कि प्राइमरी लेवल पर किस तरह का कैरिकुलम है और उसका किस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी कक्षाओं में, उसके बारे में भी बताया। एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय, शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय। इस ध्येय में जन विकास हो, राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो, इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता DTH स्वयं प्रभा वाग्दा चैनल 32।
शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल अब डीडी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर 2032 पर। टीवी पर पढ़ो, ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का, कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे, आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है। भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है। मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए NIOS और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वाग्दा चैनल, भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम। डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स 32 लॉन्च किए गए हैं। 32वां चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है। इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है। शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24/7 प्रसारण, रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण, शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच। NIOS वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभा पोर्टल, स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता। शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा, अर्थक समर्थ शिक्षा की। परीक्षा का अवसर एक
बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके शिक्षार्थियों, पुनः इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले हिस्से में बताया गया कि हम आज पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण पर बात कर रहे हैं, हमने उसके उद्देश्य के बारे में चर्चा कर ली है। अब दूसरे हिस्से में हम वैल्यूज़ को कैसे इंटीग्रेट करेंगे EVS में, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और चंपा मैडम हमारे साथ हैं, मैं अनुरोध करूँगा कि इस विषय पर चर्चा शुरू करें। के साथियों नमस्कार। अभी तक आपने देखा कि हम पर्यावरण अध्ययन बच्चों को क्यों पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं, इस पर चर्चा हुई थी। और अब हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम की बात मैडम ने बताई थी, उस पाठ्यक्रम में क्या क्या वैल्यूज़ या मूल्य निहित हैं और उन मूल्यों को हम बच्चों तक कैसे पहुँचाएँ, उनमें उन मूल्यों का विकास कैसे करें। क्योंकि आप जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का के ज्ञान दे देना ही पर्याप्त नहीं है, उससे ये गारंटी नहीं होती है कि जो एनवायरनमेंट के लिए एक्शन होना चाहिए बच्चों का वो सही हो पाएगा, या जो उनका एटीट्यूड होना चाहिए, जो व्यवहार होना चाहिए वो ऐसा ही हो पाएगा, इसकी हम गारंटी नहीं कर सकते। क्योंकि हम केवल ज्ञान देने से इस उद्देश्य की प्राप्ति को नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जो पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु का ज्ञान दे रहे हैं, उसके साथ साथ उसमें जो मूल्य निहित हैं उनकी भी हम चर्चा करें, उनके लिए भी एक्टिविटीज़ कराएं, ताकि उनके जो मूल्य हैं पर्यावरण अध्ययन के अंदर निहित, उन मूल्यों का विकास बच्चों के या विद्यार्थियों के जीवन में हो सके। तो मैं इसके लिए एक छोटा सा कोटेशन स्वामी रामदास का कहना चाहती हूँ, जो कि है कि पर्यावरण, जो जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं वो हमें पर्याप्त मात्रा में अवलोकन और अनुभवों की संभावनाएं प्रदान करता है, जो हमारे स्वयं के विकास के लिए बहुत सारे अवसर देते हैं। इसका मतलब है कि पर्यावरण हमें स्वयं के विकास में भी सहायता देता है या सहायता करता है। तो हमें देखना है कि ये वैल्यू शब्द बहुत ही कॉमन है आजकल, और आप सब जानते हैं कि आजकल ये कहा जाता है कि वैल्यू ख़त्म हो रही हैं, हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि ये वैल्यू या मूल्य, इस शब्द का वास्तव में अर्थ क्या है, क्या मूल्य हम किसे कहते हैं। अगर हम साधारण भाषा में मूल्य शब्द का अर्थ समझें तो हम उसका मतलब कीमत होता है, कि हम सामान खरीदने जाते हैं, हम कहते हैं ये मूल्यवान है या इसका इतना मूल्य है। तो अगर हम व्यवहार के रूप में या अपने मानव जीवन के संदर्भ में मूल्य की बात करें, तो मूल्य का मतलब है कि वो ऐसे व्यवहार, अब कोई कहता है कि मूल्य व्यवहार है, कोई कहता है मूल्य सिद्धांत है, कोई कहता है अनुशासन मूल्य है, तो अलग अलग विचार हैं लोगों के कि मूल्य क्या होना चाहिए या मूल्य किसे कहा जाता है इन स्वाभाविक रूप से। पर हम अगर देखें, अगर मूल्य की तुलना हम एक पौधे से करें, मूल शब्द हिंदी में अगर हम लें तो मूल का अर्थ होता है आधार या जड़, आप सब जानते हैं। तो अगर वो आधार या जड़ है, इसका मतलब वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो हमारे जीवन को
मजबूत बनाता है, क्योंकि अगर आधार मजबूत होता है, पौधे की जड़ मजबूत होती है तो पौधा अच्छी तरह से विकसित होता है। अब पौधा जब विकसित होता है तो उसमें उसमें तना होता है, उसमें पत्तियां होती हैं, उसमें फल और फूल लगते हैं। अगर मानव जीवन से हम इसकी तुलना करें तो अगर मूल आधार है और तना पत्तियां और फल फूल, ये सारे जो तना और पत्तियां हैं इनको हम कहें व्यवहार हैं, हमारे सिद्धांत हैं, हमारे अनुशासन हैं, हमारे दृष्टिकोण हैं। प्रकृति के भी कुछ सिद्धांत होते हैं और हम भी अपने जीवन के लिए कुछ सिद्धांत बनाते हैं। जैसे आप एक सिद्धांत अपना बना लेते हैं कि मैं रोज़ समय पर अपने क्लास में पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, वो आपने अपने लिए एक सिद्धांत बना लिया। वो प्रकृति का नहीं है, वो आपने बनाया है और आप उस सिद्धांत पर चलते हैं। आपके लिए टाइम पर समय पर कक्षा में जाना एक मूल्य बन जाता है। इसी तरह अगर आप ये तय कर लेते हैं कि मैंने बच्चों को कभी भी शारीरिक दंड नहीं देना है, तो वो आपका व्यवहार है, एक व्यवहार आपने बना लिया है, तो ये भी सिद्धांत है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल्य जो है वो हमारे व्यवहार, सिद्धांत, दृष्टिकोण, अनुशासन, नियम कानून। नियम कानून में इसलिए कह रही हूँ कि नियम हम कुछ व्यक्तिगत बनाते हैं, कुछ हमारे संस्थान की तरफ से या हमारे स्कूल की तरफ से या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बनाए जाते हैं, और वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारा व्यवहार, हमारा दृष्टिकोण सही रास्ते पर आगे बढ़े, हम सही रास्ते पर चलें। ये परिभाषा देते हैं मैडम कि वे मान्यताएं या दृष्टिकोण जो समाज द्वारा स्वीकृत हों वे मूल्य हैं, और ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये एक्सेप्टेबल भी होने चाहिए, समाज द्वारा वांछनीय होने चाहिए, स्वीकृत होने चाहिए, लेकिन ये देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते भी हैं। क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर हम हमारी संस्कृति में, संस्कृति के अनुसार या हमारे देश काल के अनुसार, हमारी संस्कृति में एक पिता और पुत्र एक साथ बैठ के शराब नहीं पीता है, वो बुरा माना जाता है, लेकिन बाहर के देशों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ इस बात को बुरा नहीं माना जाता है। तो ये मूल्य देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते भी हैं। कुछ शायद शाश्वत मूल्य जो हैं, बिल्कुल कुछ शाश्वत मूल्य हैं जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हैं, अभी उसकी बात करेंगे हम जी। अब हम केवल यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में मूल्य का अर्थ क्या है। मैंने कहा मूल और यत प्रत्यय में लग के मूल्य बना शब्द, जिसका आधार है जिसका अर्थ है आधार। और किसका आधार, मैंने एक पेड़ पौधे से उसकी तुलना की थी मानव जीवन की, तो अगर आधार मजबूत है तो पेड़ बहुत अच्छा बनेगा, उसमें फल और फूल भी सही और स्वस्थ बनेंगे। तो अगर मानव जीवन से तुलना करें तो अगर हमारे मूल्य सही हैं, शाश्वत हैं, सही रास्ते पर चलाने के लिए हमारे जीवन को हम उन्हें अपनाते हैं, तो हमारा जीवन जो फल फूल हैं, वो फल फूल क्या है, सुखमय जीवन, समृद्ध जीवन, शांत जीवन, हम उसको कहेंगे कि हमारे मूल्य सही मूल्य हैं, शाश्वत मूल्य हैं और हमारे विकास में वो अपना योगदान दे रहे हैं। तो मूल्य इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीवन का आधार है। तो अगर हम पर्यावरण अध्ययन के और अगर हम उसमें जाएं, इसका अंग्रेजी में जाएं कि वैल्यू, वी, वी का मतलब है वैलिड। वैलिड अभी आपने कहा था कुछ शाश्वत मूल्य हैं जो सबके लिए सही हों, मान्य हों, स्वीकृत हों, तो वो हम कहते हैं कि वैलिड होने चाहिए, सबके लिए होने चाहिए। दूसरा है ए ऑथेंटिक, कि वो सभी उसको सबके लिए वो सही सिद्ध प्रामाणिक हो, प्रामाणिकता हो उनकी। अगर मैंने कहा कि सत्य बोलना एक बहुत अच्छा मूल्य है तो वो सबके लिए वही प्रामाणिक होना चाहिए, तो हम उसको ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए उसकी, कि मेरे लिए झूठ बोलना, सत्य बोलना ठीक है, दूसरे के लिए सत्य बोलना गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब परिणामतः सबके लिए उसका परिणाम अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। एल मीन्स एल का इसमें मीनिंग है कि लिविंग होने चाहिए। लिविंग मीन्स वो हमें जीवन प्रदान करते हों, जीवंतता प्रदान करते हों, क्योंकि जीवन प्रदान करने में हमें अपने जीवन को अच्छी तरह चलाने में वो हमारे जीवन के रास्ते को सही बनाएंगे,
स्मूथ बनाएंगे, जिस जो कि हमारे जीवन को समृद्ध बनाएगा, शांत बनाएगा, सफल बनाएगा। बड़ा ही ये शब्द बड़ा अच्छा है, ये जीवंतता, लिविंग, जीवंतता, कैसे जीवंत बनाया जाए कि अगर हम हमें अलाइव बनाता है, जीवन जीवंत बनाता है, तो हम ये कह सकते हैं जिसमें हम एथिक्स की बात करते हैं, मॉरल की बात करते हैं, जो कि हमें, क्योंकि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी के लिए कोई उपकार करते हैं, तो हमें अंदर से एक अच्छी अनुभूति होती है, तो हम अपने जीवन को और जीना चाहते हैं, जीवन के लिए इच्छा करते हैं, तो वो जीवंतता या अगर हम कल्पना करें भी मैडम कि अगर हम प्रकृति के बीच में रहते हैं तो जीवंत बने रहते हैं। बिल्कुल 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 जीवंत बने रहते हैं। तो इसीलिए पर्यावरण ध्यान में मूल्यों की बात करने से पहले मैंने सोचा कि पहले हम मूल्य हैं क्या उनकी बात करें, मूल्य शब्द का अर्थ क्या है उसकी बात करें। तो उसके बाद आता है ALU, वैल्यू, वैल्यू, यू, यू जो स्टैंड करता है वो है यूनाइट करने के लिए, हम मिलजुल कर रहे हैं। कल हमने बात करी थी हारमोनी, हारमोनी विद अदर्स, कम्युनिटी, सोसाइटी एंड वर्ल्ड की बात की थी हमने कल। तो हम हारमोनी से एक दूसरे से जुड़े रहें, यूनाइटेड रहें, अपने देश की एकता, अपने विश्व की एकता, अपने घर की एकता, इसकी बात जब हम करते हैं तो ये वैल्यू में ये इंक्लूड होता है कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, यूनाइट रहते हैं, और अपने जीवन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में इससे हमें मदद मिलती है। उसके बाद है LAUE, ई है एम्पावरिंग, हमें सशक्त बनाते हैं वैल्यूज़, क्योंकि हम अगर हैफजर्ड वे में कोई काम करते हैं तो हम उस काम में उस सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर हमारी वैल्यूज स्ट्रांग है, हम कहते हैं ना बहुत सिद्धांत का आदमी है, बड़ा अनुशासन वाला है और दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, या जो कहता है उसके कहने और करने में अंतर नहीं होता है, तो ये हमें एम्पावर करते हैं, हमारे अपने जीवन को आगे बढ़ाने में हमें सशक्त बनाते हैं। मतलब जो भी हमारी वैल्यूज में है वो हमारे व्यवहार का के सेंट्रल में होती हैं। हम जैसे अगर मैं ये कहूँ कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकती, तो मैं जो भी व्यवहार करना होगा चाहे उसका परिणाम मेरे लिए सही नहीं होगा तो मैं वहाँ पर सत्य ही बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, तो वो हमारे व्यवहार का सेंटर बन जाता है, केंद्र बिंदु बन जाता है। उसके बाद है वैल्यूज़, अगर हम एस को भी ले लें तो हम कहते हैं सस्टेनेबल, कि हमारे बने रहें आगे भावी जीवन के, भावी पीढ़ी के लिए भी वो बने रहें, ताकि लोग उनको उनका अनुकरण कर सकें, उनको अपना सकें अपने जीवन में, चिरस्थाई रहे, वो चिरस्थाई रहे, बिल्कुल। तो हमने देखा कि वैल्यू का अगर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमने जो अर्थ देखा है उससे यही पता लगता है कि वैल्यूज़ हमारे जीवन को सार्थक, समृद्ध और सुंदर बनाने में मदद करते हैं। वो क्या हैं? वो हमारे दृष्टिकोण हो सकते हैं, वो हमारा व्यवहार हो सकता है, वो हमारा नियम हो सकते हैं, कानून हो सकते हैं, और वो हमारे कोई सिद्धांत भी हो सकते हैं। कोई एक चीज़ नहीं है कि वो मूल्य है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों हम एनवायरनमेंट ये EVS में ये कहते हैं कि वैल्यूज़ इनहेरेंट हैं। अगर हम वास्तव में देखें तो वैल्यूज़ आर इनहेरेंट एवरीवेयर इन द करिकुलम। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें मूल्य निहित नहीं है, मूल्य छुपे हुए हैं। ज़रूरत है शिक्षक को उसको ये उजागर करने की कि कहाँ कौन सा मूल्य है, और उसको वो बच्चों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ उस पर चर्चा करे, उस पर एक्टिविटी कराए, क्रियाकलाप कराए, और कोशिश करे कि वो उसको अपने जीवन में उतार सकें। क्योंकि हम ये जानते हैं कि सिखाने से मूल्य नहीं आते हैं, वैल्यूज़ कैन नॉट बी टॉट, वैल्यूज़ कैन बी कॉट ओनली। जैसे आप देखते हैं घर में बच्चा जब पैदा होने के बाद से ही, जब से उसको थोड़ा सा समझ आनी शुरू होती है, वो घर में जैसा वातावरण होता है, उनके माता पिता अगर सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो उन्हें भी जल्दी उठने की आदत होती है, वो भी जल्दी उठना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं, सब देर तक सोए रहते हैं तो वो भी सोते रहते हैं। तो वो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो भी व्यवहार अपनाता है, जो भी सिद्धांत अपनाता है, वो उसके लिए वैल्यू होता है। तो हम अब ये देखेंगे कि अगर मैंने कहा कि हर जगह वैल्यूज़ इन बिल्ट हैं उसमें, हर करिकुलम में,
पर मैं सोचती हूँ, मेरा ये विचार है कि पर्यावरण अध्ययन में हम जितनी भी वैल्यूज़ की बात करते हैं सारी ही इसके अंदर इनहेरेंट हैं। पर लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न ये भी है कि किस वैल्यू की बात कर रहे हैं आप। मेरे लिए तो झूठ बोलना मेरे लिए फ़ायदे वाला है, वो मेरे को लाभ पहुंचाता है, तो मैं क्यों सही बोलूं? तो यही चीज़ बच्चे को समझाने की है कि जो शाश्वत मूल्य हैं, अगर एक जगह झूठ बोलना उसके लिए फ़ायदेमंद हो गया तो शायद 10 जगह उसका, हम अगर साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करते हैं, तो उसको हमें ये बताना होगा कि तुम ये देखो कितनी बार तुमने झूठ बोला तुम्हें सफलता मिली और कितनी बार तुमने सत्य बोला तुम्हें सफलता मिली। तो उसको ये समझ में आएगा कि हाँ, सच बोलना एक अच्छी वैल्यू है या उसी से मेरा जीवन अच्छा हो सकता है। तो मैंने कहा कि ऑथेंटिक होनी चाहिए, प्रमाणिक होनी चाहिए। तो प्रमाणिक वो तभी होगा जब बच्चा उसको खुद एक्सपीरियंस करेगा। कई बार हम इंटरप्रिटेशन गलत कर देते हैं उसका, गलत कर देते हैं। जैसे आज भी कहते हैं लोग, कई बार मेरे घर में भी ऐसा होता है, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं नहीं, जो आजकल बेईमानी कर रहा है उसी का भला हो रहा है, वो ही फल फूल रहा है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता है। तो इसलिए प्रमाणिकता बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम मूल्यों की बात EBS में कहें, तो हमें अभी बात कर रही थी कि किस मूल्य की बात करें हम, कि सत्य बोलना है, ईमानदारी है, देशभक्ति है, साइंटिफिक टेम्पर है, केयर ऑफ द एनवायरनमेंट है, बहुत सारे हैं ये। तो हम कहाँ से लाएं वो उन व्यवहार या उन मूल्यों को जिनको हम कहें कि हम विद्यार्थियों के अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं। तो हम ये सब जानते हैं कि हमारा देश या हमारा जीवन, जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अनुसार चलता है। संविधान में भी कुछ वैल्यूज़ को दिया गया है, जो हमारी राइट एंड ड्यूटीज़ हैं, वहाँ पर भी ड्यूटीज़ में वैल्यूज़ को इनकलकेट करने की बात कही गई है। आर्टिकल 51A है जिसमें राइट एंड ड्यूटीज़ है, तो उसमें ड्यूटीज़ में बहुत सारी जो वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पर एनशाइन की गई हैं संविधान में। तो हम अगर कहें कि उन्हीं को भी अगर हम ले लें, तो हम ये देखते हैं कि कुछ मेन वैल्यूज जो हैं, जिसमें हम कहते हैं कि न्याय, सबके लिए न्याय हो, जस्टिस, हम कहते हैं लिबर्टी, फ्रीडम मिले, कि बच्चा फ्रीली काम करे, कक्षा में एक्टिविटी करे, फ्रीडम मिले, अगर हम उस फ्रीडम की बात करें, या हर बच्चे को अपनी बात कहने का की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हम बच्चों को कई बार प्रश्न करते हुए कहते हैं अभी चुप रहो, अभी ये पहले सुन लो। जरूरी है भाई, ये बच्चे को हम बोलने नहीं देते, नहीं बोलने देते, बच्चा डरता है टीचर से, बिल्कुल, तो ये डर खत्म करो पहले। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम सब, हर बच्चे को ये मौका मिले कि वो अपनी बात को फ्रीली कह सके, निडर होके कह सके। तो जैसे मैंने पहला कहा था कि न्याय, हर बच्चे के लिए न्याय होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए क्लास में। तो उसको, क्योंकि न्याय तो वही है ना कि सब बच्चे समान हैं कक्षा में, हर बच्चे को मौका मिले कि वो अपनी बात को कह सके। तीसरी बात है कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कि हम समानता की बात करते तो हैं लेकिन सबको समान अवसर नहीं दे पाते हैं, चाहे किसी भी तरह से टीचर भी बायस हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि जो क्लास में बच्चा इंटेलिजेंट है, अपनी बात को जरा जल्दी कह देता है या अच्छा जवाब दे देता है, तो टीचर उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगता है, नोइंगली या अननोइंगली, कई बार ऐसा होता है। लोग, हमने अपने आप भी ये बात अनुभव किया है कि अननोइंगली भी हो जाता है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसी को हम काम सौंप देते हैं और ये सोचते हैं कि दूसरा तो कर नहीं पाएगा, जबकि ये नहीं होना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी आप सबको दो, कौन कितना कर पाता है ये उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। उसके बाद है फ्रेटर्निटी या भाईचारा, कि हम भाईचारे की बात, कल मैंने कहा था कि लर्निंग टू लिव टुगेदर, कि हम आपस में मिलजुल करके रहें, ये भी हमें इन्वायरमेंट में मिलता है, ये वैल्यू भी हमें इन्वायरमेंट, जो हम एजुकेशन की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात करते हैं, उस सब में ये बातें भी हमें मिलती हैं। हम जितने सेलिब्रेशंस करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, उन सब में एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे से सद्भाव प्रकट करते हैं, तो वो सब भी इसमें, इसके अंदर इन्वायरमेंट एजुकेशन के अंदर, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर निहित है। उसके बाद है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अगर हम सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट की बात करें, तो यूनिटी ऑफ द नेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की बात वहाँ पर ज़रूर आती है, कि हम कहते हैं कि परिवार में मिलजुल के रहना चाहिए,
समाज में मिलजुल के रहना चाहिए, तभी हम देश में मिलजुल के रहेंगे तो हम दूसरे देश से मुकाबला कर पाएंगे। ये बात जो है इसके अंदर एनवायरनमेंट स्टडीज़ के अंदर ज़रूर ये मूल्य निहित हैं। उसके बाद है केयर ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसकी हमने कल भी बात करी थी कि हमें अपना नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसको क्यों प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए भी वैल्यूज़ इनकल्केट करने की ज़रूरत है कि बच्चे की ये आदत बने कि वो अपने एनवायरनमेंट की केयर करे, उसकी रक्षा करे, उसके लिए कंट्रीब्यूट करे, तो ये भी एक वैल्यू उसके अंदर निहित है। उसके बाद है जब हम अभी तो नेचुरल एनवायरनमेंट की बात हमने करी थी, हम सोशल एनवायरनमेंट की या सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करें तो ह्यूमैनिज्म, मानवता बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, जिसको आप गुण भी कहते हैं वैल्यू भी कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है कि जैसे अभी भी बात हो रही थी कि हर मनुष्य हर इंसान अलग अलग ज़रूर है लेकिन वो समान है, क्योंकि उसके अंदर ठीक है उनके शक्ल सूरत थोड़ा अलग हो सकते हैं लेकिन सबके अंदर एक ही ब्लड है, सबके अंदर वही अंग हैं, सबके अंदर सबके पास आँखें आँखों के स्थान पर ही हैं, ऐसा नहीं है कि आँखें पीछे हैं किसी की आगे हैं, सबका सब समान है। अगर सब समान है तो कोई भी काम भी करने वाला छोटा नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, तो इसलिए कि ह्यूमनिज़म या मानवता के गुण या मूल्य भी हमें विद्यार्थियों के अंदर इनकल्केट करने की ज़रूरत है, जिसमें हम ह्यूमनिज़म के गुण क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि हम किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, कोई हमारी मदद करता है हम उसको थैंक्स बोलते हैं, तो ये भी एक बहुत छोटा छोटी सी वैल्यू है कि हम थैंक्स बोल रहे हैं, लेकिन अगर बच्चों को इसकी आदत पहले से है कि वो उसका आभार व्यक्त कर रहा है तो ये भी एक बहुत अच्छा मूल्य है जो उसके जीवन को सरल और सफल बनाने में मदद करता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, पोलाइटनेस, पेशेंस, धैर्य रखना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वैल्यू का अल्टीमेट एम क्या है, सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट होगा तो जब इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा तो लोगों का डेवलपमेंट होगा, समाज सोसाइटी का होगा, कम्युनिटी का होगा और एट ऑल एंड में पूरे देश का होगा और विश्व का होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव वैल्यू का यही है कि हमारा इसका उद्देश्य यह है कि हमारा स्वयं हम स्वयं विकसित होएं, जिससे सारे लोग मिलकर के जब विकसित होंगे तो एक विकसित राष्ट्र बनेगा और विश्व बनेगा। फिर अगली एक वैल्यू और है जो मैं जो वैल्यूज़ की मैं बात कर रही हूँ वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई वैल्यूज़ की बात है, ये सब ईवीएस के अंदर निहित हैं। तो हम अब बात कर रहे हैं साइंटिफिक टेंपर एंड साइंटिफिक एटीट्यूड, कि जब हम कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन में साइंस और सोशल स्टडीज़, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों ही इन्वॉल्व हैं, और साइंस हमें सिखाता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि हम किसी भी चीज़ का कारण जानें और तभी उस पर विश्वास करें, उसका प्रभाव तभी देखें, उसका प्रभाव उसके कारण और प्रभाव को देखकर ही हम उस बात पर विश्वास करें। तो इस तरह से अगर हमारे अंदर साइंटिफिक टेंपर है तो हम जो समाज में फैले हुए अंधविश्वास हैं उनको भी दूर करने में मदद कर सकते हैं। तो ये भी वैल्यू हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर निहित है। और एक वैल्यू और है कि सेफ गार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी। आप सब देखते हैं कि छोटा सा जो हड़ताल होती है, जुलूस निकलते हैं और हंगामा होता है, धरना प्रदर्शन होते हैं, उसमें लोग बसें जला देते हैं, लोग इतना नुकसान करते हैं देश का, तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हम उसकी सुरक्षा करें, क्योंकि वो हम सब मिलकर के हम सब की है, वो एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे राष्ट्र की है, समाज की है, या अगर परिवार की बात है तो परिवार की है, तो उसको भी हम सेफ करें, उसको भी सुरक्षित रखें, ये भी एक मूल्य है जो हमारे इस एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर निहित है। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं मैम। जी ठीक। शिक्षार्थियों, मूल्यों के बारे में बात हो रही है, एक ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को पुनः जारी रखेंगे। स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। श्री
शिक्षकों का शिक्षा से थोड़ा और परिचय करवाने का समय, शिक्षकों का शिक्षा के नए आयामों को समझने का समय। इस ध्येय में जन विकास हो, राष्ट्र का बेहतर निर्माण हो, इसी दिशा में आपके साथ कदम दर कदम साथ देता डीटीएच स्वयं प्रभा वाग्दा चैनल 32। शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण को नई दिशा देने में तत्पर वाग्दा चैनल अब डीडी डायरेक्ट प्लस डिश से सीधे आपके द्वार डिश टीवी के चैनल नंबर 2032 पर। टीवी पर पढ़ो, ये हमने प्लेटफॉर्म नया दिया स्वयं का, कि आपको घर बैठे शिक्षा पाओगे, आपके ऑनलाइन होगा ऑफलाइन भी है। भारत ने आधुनिक तकनीक के सहायता से टीचर के प्रशिक्षण करके छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक भरसक प्रयास किया है। मानव संसाधन मंत्रालय की नीतियों में शिक्षक शिक्षा के लिए NIOS और इग्नू का संयुक्त साझा प्रयास वाग्दा चैनल, भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से सम्मानित शिक्षक शिक्षा विद्वानों की निगरानी में निर्मित उन्नत और रुचिकर दृश्य कार्यक्रम। डीडी के चैनल्स में डायरेक्ट टू होम चैनल्स 32 लॉन्च किए गए हैं। 32वां चैनल शिक्षक प्रशिक्षण का है। इस पर आपके कोर्स से संबंधित कार्यक्रम अर्थात चुने हुए शिक्षकों का लेक्चर प्रसारित हो रहा है। शिक्षक शिक्षा विशेषकर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का 24/7 प्रसारण, रोजाना नए कार्यक्रमों का प्रसारण, शिक्षकों के प्रशिक्षण को समर्पित वाग्दा चैनल 32 की निश्चित देशव्यापी पहुंच। NIOS वेबसाइट के साथ साथ स्वयं प्रभा पोर्टल, स्वयं पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कार्यक्रमों की निश्चित उपलब्धता। शिक्षक ही लिखेंगे नई परिभाषा, सार्थक समर्थ शिक्षा की भाषा। तो शिक्षार्थियों, ब्रेक के पहले हम लोग बात कर रहे थे कि वैल्यूज क्या होती हैं और हमारे संविधान में भी वैल्यूज की जो विस्तार से बातचीत की गई है उसको भी हमने देखा। तो मैं आगे चंपा मैडम से अनुरोध करूंगा कि EVS के संदर्भ में वैल्यूज का क्या स्वरूप है उसके बारे में बात करें। साथियों, अभी तक जो हमने बात की थी, कि मूल्य या वैल्यू एक्चुअली है क्या, हम किसको मूल्य या वैल्यू कहते हैं और किस तरह के मूल्य, किस किस प्रकार के मूल्य हम बच्चों के अंदर विकसित कर सकते हैं या इम्बाइब कर सकते हैं, उस पर बात की थी। और वो वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल होनी चाहिए सबके लिए, उसके लिए प्रामाणिकता होनी चाहिए, ये सारी बातें हमने की हैं। जिसमें एक एंड में मैं कहना चाह रही थी कि क्योंकि वैल्यू का अल्टीमेट एम जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट है, स्वयं का विकास है, और अगर हर व्यक्ति स्वयं विकसित होगा तो समाज विकसित होगा, देश विकसित होगा और उसमें हार्मोनी बनी रहेगी लोगों के बीच में। तो एक जो लास्ट वैल्यू की बात जो मैं कर रही थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, कि हम ये जो लास्ट वैल्यू है इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्सेलेंस, और इसके लिए जो बहुत सारे गुण हमारे अंदर डेवलप होने चाहिए, जिसमें हम कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, इस तरह की जो गुण हैं उसमें हम, जैसे लीडरशिप, आप बच्चों से भी कक्षा में काम करवाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे के अंदर लीडरशिप होती है लेकिन बहुत सारे शाई होते हैं, पीछे हो जाते हैं, आगे नहीं आना चाहते हैं। टीम वर्क, देन क्रिएटिविटी और सिंसेरिटी, रेगुलरिटी, कुछ ऐसे गुण हैं, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमारे सेल्फ एक्सेलेंस या कलेक्टिव एक्सेलेंस में हमारी मदद करते हैं। तो ये बात थी कि हम वैल्यू किसको कहते हैं और हम किस वैल्यू की बात करें अपने विद्यार्थियों के साथ उनके अंदर विकसित करने के लिए। तो वो थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ वैल्यूज़ की बात कही गई है जो कि मैंने अभी उनकी चर्चा की। अब हम बात करते हैं खासकर EVS के संदर्भ में क्या वैल्यूज़ हम बच्चों के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम पर्यावरण अध्ययन में जब बच्चों का शिक्षण करते हैं तो हम, मैंने कहा था कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत बहुत सारे
वैल्यूज़ या मूल्य निहित हैं जिसमें केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, कल हमने बात करी थी कि हम अपने एनवायरनमेंट की केयर कैसे करें, तो हम बात करेंगे कि अगर हमने केयर ऑफ द एनवायरनमेंट बच्चों के अंदर ये वाली वैल्यू डेवलप करनी है तो हम क्या करें, कैसी एक्टिविटी कराएं। जैसे आप मान लीजिए पार्क में बच्चों को ले जाते हैं, बगीचे में कहीं ले जाते हैं, या कहीं नहीं भी ले जा रहे हैं, आपके पास ऐसे साधन नहीं हैं, तो आप बच्चों को ये कहेंगे कि अगर आप पार्क में जाते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे लोग फूल तोड़ते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि फूल तोड़ना मना है, नहीं तोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही है। आप बच्चे आपकी मदद करेंगे बताने में, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं क्यों नहीं तोड़ें जी, बाज़ार में भी तो जो फूल बेचते हैं वो कहीं ना कहीं से तोड़ के ले जाते हैं, तो हम तो तोड़ेंगे। तो वहाँ ये समझाना है कि जो बाज़ार में बिक रहे हैं वो ऐसे फूल हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, जहाँ जिनका प्रोडक्शन होता है वो उनका व्यवसाय है, इसलिए वो तोड़ते हैं। पार्क के फूलों को अगर हम तोड़ेंगे तो उससे पार्क की शोभा ख़राब होगी। और किस फूल को तोड़ना चाहिए, जो फूल बिल्कुल परिपक्व हो चुका है, गिरने की स्टेज में है, उसको ही तोड़ सकते हैं। जो फूल अभी कोपल है, फूलने की स्थिति में है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस तरह से आप क्लासरूम में भी एक्टिविटी बच्चों से करा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहती हूँ कि एक तो केयर ऑफ द एनवायरनमेंट की बात है, देन आप अगर कोई भी वैल्यू एनवायरनमेंट से लेकर या साइंटिफिक टेंपर से लेकर, साइंटिफिक एटीट्यूड से संबंधित आपने कोई भी वैल्यू बच्चों के अंदर इनकलकेट करनी है, मैंने आपसे कहा कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें हर चैप्टर में कोई न कोई वैल्यू एनवायरनमेंट से लेकर के रिलेट की गई है। आपका काम है कैसे करें, तो इसके लिए ये प्रोसेस है कि आप सबसे पहले, क्योंकि आप डेली लाइफ में भी ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत सारे अच्छे जो इंसिडेंट्स होते हैं वो आप देखते हैं, वो अच्छे इंसिडेंट्स को आप असेंबल करिए। और जब आपने, कल मान लीजिए आपने एक पाठ पढ़ाना है, उस पाठ को आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मैंने ज़्यादातर, मेरा अपना अनुभव ये है कि अधिकतर शिक्षक पुस्तकें पढ़ते नहीं हैं, वो क्लास में जाके ही पढ़ा देते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ाने से पहले पाठ को ज़रूर पढ़ें और उसमें ऑब्जेक्टिव समझें। जैसे पहले NCF के ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को बेस करके किताबें बनी हुई हैं। तो किताब में आप पाठ पढ़ेंगे और आपने देखा, मान लो कि यहाँ पर हमें साइंटिफिक टेंपर की बात करनी है, कि बिना अनुभव किए या बिना प्रयोग किए आप उस बात को सत्य मत मानो, ये आपको एक मान लो वैल्यू आपने देखा कि उस कंटेंट के अंदर निहित है, तो आप कैसे करेंगे। पर चंपा जी, ऐसा है ना कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे ये प्राइमरी के बच्चे हैं, तो कई बच्चे हैं सुबह नहा गई नहीं आए, अपनी सफाई का ही, बॉडी की क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं है, तो वो उनको पता होना चाहिए कि मुझे साफ सफाई रखनी है। जो जिसको उसकी कदर ही नहीं है, उसकी समझ ही नहीं है कि मुझे अपना शरीर को स्वच्छ रखना है, अपने आसपास को स्वच्छ रखना है, तो सबसे पहले तो उसको यही सिखाओ कि जो हम रेगुलरिटी की बात करते हैं, पंक्चुअलिटी की बात करते हैं, कि उस स्कूल में कैसे पंक्चुअल हो, कैसे रेगुलर हो, कैसे साफ सफाई अपने शरीर की रखे, फिर आकर, मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं जो तो बच्चों को देखना है। क्लास में आए हैं, बैठे हैं, बाकी बच्चों को कैसे ग्रीट कर रहे हैं, टीचर्स को ग्रीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अपनी चीज़ों को शेयरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है, अपना होमवर्क ठीक तरह से, ये छोटी छोटी बातें, ये सब तो वैल्यूज़ का हिस्सा मानी जाएंगी ना, तो यहाँ से क्यों ना शुरुआत करें। ठीक है, EVS में हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट का, तो पहले तो क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात कर लें। एनवायरनमेंट सबसे पहले तो अपना ही एनवायरनमेंट की बात करो, जो बॉडी है ये भी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा ही तो है, पार्ट है, तो बॉडी है, मेरा बस्ता है, स्कूल का बस्ता है, उसमें किताबें ठीक से कायदे से रखी हुई हूँ, है ना, मैं अपने बाल ठीक बना के आया हूँ, साफ सुथरा बन के आया हूँ, मैं तमीज़ से बात कर रहा हूँ सबके साथ। जो आपने कहा था ग्रैटिट्यूड की बात, किसी ने मेरे लिए कुछ किया तो मैंने शुक्रिया बोला, उसको थैंक यू बोला, ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातों से शुरुआत होती है। मैं तो इन जनरल ये बात तो मैं पहले कह चुकी हूँ कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें डेली रूटीन में बच्चों के साथ शेयर करनी है, देखनी है, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उसे अप्रिशिएट करना है, क्योंकि वैल्यू का डेवलपमेंट ऐसे ही होता है कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और उसको मोटिवेट किया जा रहा है, रीइन्फोर्स किया जा रहा है, तो वो
उसके परमानेंट लाइफ का परमानेंट पार्ट बन जाता है। तो इसलिए ये बात तो करनी ही चाहिए टीचर को। मैं जो बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ कि अगर आप EVS में इनहेरेंट जो वैल्यूज़ की बात है तो आप कैसे इंटीग्रेट करें वैल्यूज़ को EVS पढ़ाने के कॉन्टेक्स्ट में या पढ़ाते समय, क्योंकि आप तो कहते हैं किताब में तो ऐसा सारा कुछ है नहीं, तो हम तो किताब की ही चीज़ पढ़ा रहे हैं, आप एक्टिविटी करा दे रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई वैल्यू उजागर हो रही है तो आपको उसे डिस्कस करना है, आपको उसे बच्चों के अंदर उस भावना अगर मैं कह रही हूँ, अगर आपने ये देखना है कि ये अगर बिल्ली रास्ता काट रही है ये एक अंधविश्वास है, अगर आपने बच्चों को ये कहना है कि ये नहीं मानना चाहिए तो मुँह से कहने से वो नहीं मानेंगे और न वो उसकी सत्यता प्रमाणित होती है। तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे अनुभव हैं, आपने देखा होगा कई बार ऐसा हुआ है कि आप गए बिल्ली ने रास्ता काटा लेकिन नहीं आपका काम ठीक हुआ, कुछ ख़राब नहीं हुआ। तो आप यहाँ पर अगर कहीं ऐसा कॉन्टेक्स्ट आ रहा है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, उस कंटेंट को उस अपने एक्सपीरियंस को बच्चों से शेयर करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे उस कंटेंट के साथ कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ये बात सही सिद्ध नहीं हुई बच्चों, अच्छा आप बताओ, क्योंकि आपने उसमें से एक एक्सपीरियंस अपना सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर लिया उसके साथ, फिर उसको शेयर किया, शेयर करने से बच्चों की भी शेयरिंग हुई। आप बच्चों से पूछोगे कि अच्छा बताओ कितने बच्चे हैं कक्षा में जिन्होंने कि ये देखा कि बिल्ली ने रास्ता काटा और आपका काम नहीं हुआ या आपके साथ कुछ ख़राब हुआ, तो बच्चे अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे। मैं इंटीग्रेट करने का तरीका तो क्लास में भी तो हम एक्टिविटीज़ कराते हैं ना, मान लो मैंने छोटी सी कोई एक्टिविटी कराई, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि घुलनशीला कुछ भी करा हमने क्लास में, तो कितनी सफाई से बच्चे ने, मेरे को तो सफाई की बात बहुत ज्यादा बिल्कुल ठीक है क्योंकि कितनी सफाई से रखा उसने और उस तरह से उसके बाद अपनी सीट को साफ सुथरा कर दिया। फिर एक और प्रॉब्लम मैं देखती हूँ बच्चों में आमतौर पर कि वो कोई काम शुरू तो करते हैं लेकिन जब उनका लगता है ना काम ठीक होने लगा छोड़ देते हैं, तो वो जो धैर्य नहीं है, प्रिजर्वरेंस नहीं है, तो वो कैसे टीचर को उनको बैकअप करना है, मोटिवेट करना है कि तुम नहीं करो, दोबारा करो, तिबारा करो। इस पर हम छोटी छोटी कहानियां सुना सकते हैं ना, याद है राजा की कहानी कि मकड़ी को देख रहा है ऊपर जा रही है, जाला बनाने फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है, लेकिन अल्टीमेटली वो एफर्ट कर करके जाला बना ही लेती है। तो इस तरह की छोटी छोटी कहानियां हम क्लास में सुना सकते हैं, बच्चों के करिकुलम के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि बच्चों में वो वैल्यूज अपने आप डेवलप हो जाए। तो ये धैर्य वाली बात है, सफाई वाली बात है, कोऑपरेशन वाली बात है। बच्चे लड़ते बहुत हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे बहुत लड़ते हैं, तो कैसे कोऑपरेट करना है तो इसके लिए टीचर को चाहिए कि जानबूझकर कुछ ऐसे क्रियाकलाप दे दे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज दे जिसमें बच्चों ने मिलकर काम करना है, अकेले नहीं काम करना, मिलकर काम करना है, तो वो सीखेंगे कि हाउ टू कोऑपरेट, हाउ टू शेयर थिंग्स, वो टीम वर्क उनमें आएगा। तो ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज एक्सपीरियंसेस हमको बच्चे को देने होंगे क्लास में EVS पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि EVS एक जरिया है, एक माध्यम है। हाँ, एक्चुअली तो EVS पढ़ाना नहीं है, EVS तो पढ़ा जाता है क्योंकि उसके थ्रू पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ा ही जा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते सिखाओ। तो इसलिए मैडम का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बड़े छोटे होते हैं तो ये चाहती हैं कि भाई पहले हम स्वच्छता से ही बात करें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहली वैल्यू तो वही है कि हम साफ सुथरे रहेंगे तो हम अपने काम को उतनी ही अच्छी तरह से कर पाएंगे और हमारे अंदर अनुभूति भी अच्छी होगी, हम एंजॉय करेंगे। तो स्वच्छता से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो कितनी नियमितता से क्लास में बैठा हुआ है, कितनी सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है, छोटी छोटी बातें। मैं एक्चुअली मैं इंटीग्रेट करने की मेथडोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रही थी कि आप अगर आपने, क्योंकि ज़्यादातर शिक्षक अपना सिलेबस पूरा करने में लगे होते हैं और वो किताब के पाठ को ही पढ़ाना चाहते हैं, तो अगर किताब के पाठ को भी आपने पढ़ाना है, आप उसको पाठ को पढ़िए, उसमें आइडेंटिफाई करिए छोटी छोटी वैल्यूज़ क्या क्या उसमें आ रही हैं। जैसे मिलकर काम करने की बात है, जैसे मैडम ने कहा बच्चे आपस में लड़ते बहुत हैं, तो आप उनको कैसे ये समझाएं कि नहीं, मिलकर काम करने से काम जल्दी होता है, अच्छा होता है, उसमें क्वालिटी आती है, ये सब चीज़ें समझाने के लिए उनको
प्रेरित करने की ज़रूरत है, और ये भी करने की ज़रूरत है कि देखो जिस ग्रुप में लड़ाई नहीं हुई, जिन बच्चों ने मिल करके काम किया, उनका काम कितनी जल्दी हो गया और कितना अच्छा हो गया। तो ये मैं मेथडोलॉजी इसलिए कह रही थी कि आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बच्चों के पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, पुस्तक में लिखा हुआ है नीचे नोट्स, जिसमें आपने भी कहा कि भाई आपके पास कहानियां हैं बहुत सारी, आपने सुनी हैं, देखी हैं, कहानियां नहीं है, आपके अपने अनुभव हैं, आप उस कॉन्टेक्स्ट के उस पोर्शन को लेकर के जहाँ पर वो स्थिति आती है वहाँ पर आप उसको उस अपने उस अनुभव को जोड़े और बच्चों के साथ शेयर करें, और बच्चों की भी शेयरिंग करवाएं, उनको भी एक्सप्रेस करने का मौका दें। इसमें एक चर्चा हम लोगों ने की थी मूल्यों पे, एक सेमिनार हुआ था तो उसमें एक बात जरूर उभर के आई कि जो मूल्य हैं वो जीवन का जब हिस्सा बन जाएं, हमारे अनुभव का हिस्सा बन जाएं, हमारे जीवन में उतर जाएं, जरूरी तभी उसका महत्व है, तभी एक्सेलेंस तक जा सकते हैं। नहीं तो किताबों में सब कुछ है, सब अरे लिखा होता है झूठ बोलना पाप है, ये कौन परवाह करता है, कोटेशन कौन परवाह करता है, तो ये आदत से बन जानी चाहिए अंदर तक, अपने आप बच्चा जो है वैसे करे। तो मैडम मुझे लगता है यही संप्रेषित कर रहे हैं कि आप अपने अनुभव का हिस्सा बना लें उसको। बिल्कुल बिल्कुल, किताबों में बता दिया गया कि हाँ समाज में समरसता होनी चाहिए, ठीक है बता दिया आपने, लेकिन कैसे समरसता हो, बच्चा अपने अनुभव से जोड़े उसको, टीचर अपने अनुभव से जोड़े, तब जाकर किताब, जैसे चंपा मैडम बता रही हैं किताब ध्यान से पढ़ो, किताबों में जगह जगह पर लिखा हुआ है अभिभावकों के लिए और टीचर के लिए नोट्स हैं कि जहाँ पर यहाँ ये सेंसिटिविटी बच्चों में डेवलप करो, इस बात की जो है ध्यान इस तरफ दिलवाओ, तो वैल्यूज की बात वहाँ करी हुई है, वहाँ संवेदनशीलता की बात करी हुई है। तो टीचर के लिए जैसे उन्होंने बोला कि पढ़ाने से पहले ये मत सोचो कि ये तो मुझे कंटेंट आता है, नहीं, जो कंटेंट किताब में लिखा गया है वो किसी खास उद्देश्य से लिखा गया है, उसको ध्यानपूर्वक वर्ड टू वर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो वो उसमें छाँट लो कौन सी वैल्यू को कहाँ हाईलाइट करना है ना, जैसे मतलब उसमें लिखा हुआ है। मेरा मतलब भी यही था, यही था, आप ही की बात कर रही हूँ मैं, कि आपने बात कही तो ये ठीक बात है, पढ़ना बहुत जरूरी है, उसी में हमने लिखा है जैसे किताबों में ही कि पेड़ पौधों का कैसे ध्यान रखना है, पक्षियों का कैसे ध्यान रखना है ना, तो वो भी पानी की कमी को महसूस करते हैं, ये सब आपकी पुस्तकों में है, लेकिन उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के खाली कंटेंट मत पढ़ाइए प्लीज़, उसमें जो आपके लिए छोटे छोटे नोट्स नीचे दिए हुए हैं वो बारीक लाइनें भी पढ़िए और उनको क्लास में जाकर बच्चों तक पहुंचाइए, उसको प्रैक्टिकली बच्चों के सामने रखिए, यही डॉक्टर चंपा पंत इसी को फोकस कर रही हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि जो भी आप लेसन है पाठ है उसको ध्यान से पढ़िए और उसके अंदर वैल्यूज़ इनहेरेंट हैं, और इवन उनमें नोट भी लिखे हुए हैं जैसा मैडम ने भी बताया है, पेरेंट्स के लिए टीचर के लिए, तो आपका एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम उसको हाईलाइट करें वहाँ पे, कि हम ये बताएं कि इस पर क्या हमें हमारा अपना व्यवहार क्या होना चाहिए। तो वहाँ पर अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं करा पा रहे तो आप चर्चा भी करा सकते हैं, तो आप ये चर्चा करा सकते हैं कि अच्छा अगर इस स्थिति में तुम होते तो क्या करते, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ, एक कॉल ले लेते हैं। जी हेलो हेलो, सवाल पूछिए। हेलो सर, जो वैल्यूएशन का बात हो रहा है, ये वैल्यूएशन स्टूडेंट का अंदर से हम लोग कैसे निकलेंगे, वो तो जो वैल्यूएशन का बात हो रहा है अभी। हाँ हाँ, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे मूल्य? हाँ बिल्कुल, इवैल्यूएट करना वाकई मुश्किल है, तो इसके लिए टीचर को ऑब्जर्व करना है, डेली ऑब्जर्व करना है। अब हम मैं रोज तो नहीं कर सकती ना कि एक एक बच्चे को ऑब्जर्व करके मैंने लिखा, लेकिन मैं हफ्ते में बैठ कर कुछ एक अपना रजिस्टर मेरे पास है जिसमें सब बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, तो मैं पहले कुछ वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करती हूँ कि इस हफ्ते में या इस फोर्टनाइट में या इस मंथ में मैंने कौन कौन सी वैल्यूज़ को क्लास में बच्चों को इनकलकेट करने में कोशिश की है, और मैं क्या कैसा उनका बिहेवियर देखना चाहती हूँ, तो वो बिहेवियर ऑब्जर्व ही कर सकते हैं। इसमें बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन जो मेन इवोल्यूशन का टूल रहेगा, हमें रेटिंग स्केल या चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी,
एक होते हैं रेटिंग स्केल, जिसमें 3 पॉइंट का रेटिंग स्केल हो सकता है, 5 पॉइंट का रेटिंग स्केल हो सकता है, भी ये करता है, कभी कभी करता है, कभी नहीं करता, ये 3 पॉइंट का रेटिंग स्केल है। ये अपनी श्योर चीज़ें करता ही नहीं है, कभी भी श्योर नहीं करता, हर वक्त गुस्से में रहता, अकेले रहता है, ये कभी कभी शेयरिंग करता है और ये हमेशा शेयरिंग करता है। तो 3 पॉइंट्स हो गए ना, तो ऐसे इसको अगर आप चाहो तो किसी में 5 पॉइंट भी बन सकते हैं। और कुछ होती है चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में क्या आता है, या यस है तो या नो है, काम करा नहीं करा, तो वो चेकलिस्ट बन जाएगी। तो ये आपको चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल बनाने पड़ेंगे, लेकिन जो आपका तरीका होगा वो केवल और केवल ऑब्जर्वेशन है। हाँ, इसके अलावा एक और काम आप कर सकते हो, जैसे अभी मैडम कई वैल्यूज़ की बात कर रही थी, आपने बच्चों को कुछ इंटरव्यू करने के लिए बोला पेरेंट्स को, या कुछ तस्वीरें इकट्ठा करने के लिए बोला, उसको फिर चिपका कर उस पर कुछ लिखने को बोला, यानी कुछ ऐसा काम जो बच्चे ने करा है और आपको प्रेजेंट किया है, तो उस काम के आधार पर भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं। पर जनरली हम वैल्यूज़ का मूल्यांकन जो है वो अवलोकन से करते हैं, ऑब्जर्वेशन से ही करते हैं, यही एक तरीका है। और उनके व्यवहार से मैडम, वही उसका व्यवहार, व्यवहार का ऑब्जर्वेशन, उसके लिए क्यों कैसे क्लास में बिहेव कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड रखना होगा वो रेटिंग स्केल पर रखना होगा कि करता है, कभी कभी करता है, हमेशा करता है, इस तरह का रेटिंग स्केल बना के उसमें टिक लगाने होंगे उनको, क्योंकि ये क्वालिटेटिव असेसमेंट है ना, तो इसलिए इसमें नंबर तो नहीं दिए जा सकते हैं। और इसमें हम क्विज वगैरह भी अगर चाहें कुछ उससे भी पता लग जाता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चनर, हर बच्चे का नहीं पता लगेगा सर। क्विज एक बड़ी ही डॉजिंग सी सिचुएशन है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वैल्यूज में दो बातें हैं, सबको पता है ये अच्छी वैल्यू है, लेकिन वो अपने लाइफ में उसको कितना उपयोग कर रहा है, कितना वो बिहेवियर में कितना शो कर रहा है, दो बातें हैं। मुझे पता है कि ऐसा मैं बिहेव करूंगा तो टीचर को बड़ा पसंद आएगा, तो टीचर के सामने बड़ा अच्छा बोल रहा है, सब कुछ है, बड़ा वेल डिसिप्लिन्ड है, लेकिन जिस मोमेंट वो बाहर निकलता है दोस्तों को गाली गलौच भी करता है, मारता पीटता भी है, लड़ाई भी करता है, ठीक है, क्लास में वो दिखाता है कि देखो जी मैं तो बड़ा सफाई से काम कर रहा हूँ, लेकिन बाहर जाते ही वो लंच करता है, लंच का अपना जो पेपर वगैरह है उसको कहीं भी फेंकता है और चल पड़ता है। वो क्लास में पूछो कि क्या फूल तोड़ना अच्छा है, बोलेगा नहीं नहीं ये तो बहुत खराब है, लेकिन अगले सेकंड वो फूल तोड़ता है। तो वैल्यूज क्या है ये बच्चों को पता है, लेकिन उनके बिहेवियर में आई कि नहीं आई वो इंपॉर्टेंट है ना, वो हम कहते हैं कि उसी को इवैल्यूएट करना थोड़ा मुश्किल है, इवैल्यूएट करना मुश्किल है, तो टीचर को ऑब्जर्व करना होगा। और यहाँ एक टीचर का ऑब्जर्वेशन नहीं चलेगा, एक टीचर ने ऑब्जर्व किया दूसरे ने, फिर आपस में टीचर से बात करें, एक एक बच्चे की हम बात कर सकते हैं कभी बैठे हुए, इसको मैं रोज़ की बात तो नहीं करती हूँ, संभव भी नहीं है, लेकिन हाँ हफ्ते में फोर्टनाइटली या महीने में एक बार हम ज़रूर बच्चे के बारे में सोच सकते हैं और उसके बारे में हम कोई उसको ग्रेड दे सकते हैं, उसके बारे में कोई कमेंट्स लिख सकते हैं कि ये बच्चा इस तरह का है, इसको देखो जो तो एवरेज बच्चे चल रहे हैं, ठीक ठीक काम कर रहे हैं, हम ज़्यादा फोकस करते हैं वो जो या तो बहुत ही अच्छे हैं या बहुत खराब बिहेवियर है जिनका, तो जिनको बहुत खराब बिहेवियर है उनके बिहेवियर में चेंज कैसे लाएं, उनके सामने कैसे कुछ करें, कौन सी स्टोरी सुनाएं, है ना, कौन सा अच्छा नाटक बड़े अच्छे हैं, रोल प्लेज होते हैं या छोटे छोटे नाटक नहीं बच्चे करते कल्चरल प्रोग्राम्स में, तो उसमें हम बड़ा आईना दिखा सकते हैं कि देखो जी लोग ऐसा करते हैं और ये गलत है। तो सीधी बात कई बार ना बुरी लगती है, किसी को बोल ऐसा मत करो, वैसा करो, वैसा करो, बच्चे हमको लाइटली लेते हैं, बहुत कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं, हमारी बात नहीं मानते, बहुत उपदेश दे रहे हैं आप, उपदेश को मानता ही नहीं कोई। तो इन उपदेशों को सीधे सीधे ना देकर हम किसी कहानी के माध्यम से, किसी नाटक के माध्यम से, ये या फिर हम कोई छोटी सी मूवी दिखा दें और बाद में उस पर चर्चा हो जाए, है ना, तो या फिर हम कोई एक्टिविटी करवाएं कि चलो बच्चों अब हम पक्षियों के लिए ये रख रहे हैं पानी के लिए, चलो बच्चों हम गंदगी इकट्ठा करके उसको सेग्रीगेशन करते हैं, चलो इसके हम कंपोस्ट बनाते हैं, चलो ये प्लास्टिक सारा इकट्ठा करके रिसाइकिल के लिए दे देते हैं, चलो सारे कागज़ इकट्ठे करते हैं रिसाइकिल में दे देते हैं, तो ये हम एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं और इन एक्टिविटीज़ के नंबर भी लगा सकते हैं कि किन बच्चों ने मदद करी कंपोस्ट बनाने में, किन बच्चों ने मदद करी कूड़ा सेग्रीगेट करके रिसाइकिल में भेजने में,
ठीक है, किन बच्चों ने पौधे लगाए और वो रोज अपने पौधे का ध्यान रखते हैं, ये भी हम इससे भी मूल्यांकन कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। ये बहुत, तो ये बहुत अच्छी बात, छोटी छोटी बातें, हाँ जी, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके, और जो नाटक और रोल प्ले है, रोल प्ले से तो बच्चे बहुत ही सीखते हैं, और रोल प्ले वो इतना अच्छा करते हैं क्योंकि वो रियल लाइफ में जो देखते हैं वो बहुत अच्छा क्लास में करके दिखाते हैं। तो रोल प्ले ज़रूर यूज करना चाहिए, कहानी सुनाने का जो माध्यम है वो भी बहुत बढ़िया है, और इवन बच्चे अगर थोड़ा सा बड़े क्लास के हैं, चौथी पांचवीं के हैं, तो वो कुछ कुछ इंसिडेंट्स जो अनुभव उनके हैं उनको लिखने के लिए भी कहा जा सकता है, उनको मौखिक रूप से व्यक्त करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल एक है जहाँ पर एक क्लास में घूंघट, एक टीचर्स के ही प्रोग्राम में बात आ रही थी कि घूंघट रखना कितना सही होता है, कि औरतों से घूंघट रखवाया जाता की बात है, कल्चर, हाँ ये कल्चरल एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ मैं। तो वो कहने लगे कि टीचर ने बताया कि बच्चे कह रहे थे वो तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, तो होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैंने एक लड़के से को पूछा कि भाई अच्छा ये बताओ तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम घूंघट रखवाओगे? तो उसने कहा हाँ मैं तो ज़रूर रखवाऊंगा, मेरे पिताजी रखवाते हैं, मेरे घर में सब घूंघट रखते हैं। तो फिर पूरे क्लास में अब कुछ ऐसे भी थे जो कह रहे थे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। तो उन्होंने आपस में चर्चा की और चर्चा करके एंड में वो बच्चा भी उस बात को समझ गया कि घूंघट रखवाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, ये प्रथा सही नहीं है, वो उस बात के लिए वो कन्विंस हो गया। तो इस तरह से छोटी छोटी जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको लेकर के हम चर्चा भी करा सकते हैं, कल्चरल हैं, सोशल हैं, और जो जो एनवायरनमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है उसमें तो आप एक्टिविटीज़ ही बहुत सारी करा सकते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि हम हर जगह चर्चा ही कराएँ, हर जगह रोल प्ले ही कराएँ, वो ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो टॉपिक है, जो लेसन है, वो किससे रिलेटेड है। अगर वो सोशल किसी इशू से रिलेटेड है तो आप रोल प्ले करा सकते हैं, वो अगर नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो हम नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच जा कर के, या अगर आप जा नहीं सकते हैं तो जैसे कोई वीडियो क्लिप दिखा सकते हैं उससे भी बात हो सकती है। अरे कविताएं, मुझे एक कविता याद आ रही है, वो नर्सरी राइम है ना, लाला जी ने बीच सड़क में केला खाया है और मुंह पिचका छिलका वहीं गिराया और उसी पर लाला जी फिसल गए। तो ये छोटी सी पोएम है बट इट इज टीचिंग अ वैल्यू, बिल्कुल, कि हम सड़क पर केला खिलाएंगे तो खुद भी तो गिर सकते हैं। तो कई गाने हैं, कई कविताएं हैं, कई इंसिडेंट्स हैं, कई केसेस हैं, प्राइमरी में तो ये छोटी छोटी बातें पकड़ेंगे। हाँ जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, एडोलेसेंट एज के हैं, तब हम केसेस पकड़ लेते हैं, हम कोई घटना की बात कर सकते हैं क्लास में, उस पर चर्चा कर सकते हैं। बट चर्चा तो एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है, माध्यम है, जिससे हम बच्चे की अपनी समझ उसको व्यक्त करने के लिए मौका देते हैं। इससे बहुत सी फिल्में आई हैं मैडम, तारे जमी पे इस तरह की, ब्यूटीफुल, बच्चे बहुत तेजी से। तारे जमी पर भी मुझे याद आ रहा है कि ड्राइंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उनको सॉल्यूशंस के लिए अगर आप कहो तो वो सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे अच्छे बताते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसको उभारने की ज़रूरत हमें होती है। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि आप किताब से पाठ को ज़रूर पढ़ें, उसमें समझें कौन सी वैल्यू उसके अंदर निहित है, छुपी हुई है, और उसको उजागर करने के लिए आपके पास अपने अनुभव क्या हैं, बच्चों के अनुभव क्या हो सकते हैं, और एक्टिविटी क्या आप उस पर करवा सकते हैं। ये मेहनत तो आपको इसके लिए करनी पड़ेगी। आप ये सोचेंगे कि बगैर किताब पढ़े, बगैर थिंक करे, सोचे, चिंतन करे, हम वैल्यू डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो शायद संभव नहीं होगा। यानी नो भाषण, या भाषण इज नॉट इफेक्टिव, वैल्यूज आर कॉट, दे आर नेवर टॉट। तो कैसे बच्चा कैच करे, गिव देम एक्सपीरियंसेस। जी, तो शिक्षार्थियों, जैसा कि आपने देखा कि चंपा मैडम और रविंद्र मैडम ने बड़े विस्तार से कॉट किया हमें इस विषय पे, और बड़े रोचक ढंग से इन लोगों ने विषय को प्रस्तुत किया, जो कि एक बड़ा ही गंभीर विषय है कि वैल्यूज को कैसे पढ़ाया जाए। और पहले हिस्से में भी एक गंभीर चर्चा हुई थी उद्देश्य के बारे में, कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण कैसे किया जाए और उसमें किन किन उद्देश्यों को शामिल किया जाए, हमारे जो NCF 2005 में उल्लेखित हैं उनको किस तरह से लाया जाए।
तो मैं दोनों महोदया का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस विषय को इतना बढ़िया तरीके से यहां पे प्रस्तुत किया है। शिक्षार्थियों, यह हमारी जो चर्चा थी उससे आपने निश्चित रूप से लाभ उठाया होगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और कल फिर किसी अन्य विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी ये आशा करते चर्चा तभी सफल होगी जब आप लोग इसको अपने शिक्षण में अपनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।